हम ये JWT की ऑथेंटिकेशन कर रहे थे लास्ट। अच्छा, इसमें हमने अभी तक क्या कर लिया? आधा काम हमने कर लिया था, आधा भी रहता है। ये एक एक्सप्रेस का सर्वर है और इसमें ये एक्सप्रेस इनिशियलाइज हुई है। यहाँ पे बॉडी पार्सर लगा हुआ है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है एक राउटर बना हुआ है जो जिसमें ऑथेंटिकेशन की सारी राउट्स होंगे जिसके अंदर। और उसके बाद ये टोकन का चेक है और उसके बाद ये हमारी सिक्योर APIs हैं, जैसा कि प्रोफाइल वगैरह गेट करने की। अच्छा, तो ये तो फ़िलहाल डमी है अभी इस वक्त, टोकन चेक करने वाला जो आइटम है। अच्छा, हम ऑथ राउटर के अंदर चले जाते हैं और ऑथ राउटर के अंदर हमारे पास लॉगिन की एक API है और एक साइनअप की API है। तो सबसे पहले हमने साइनअप बना लिया था। साइनअप में हमने क्या कर लिया था, वैलिडेशन लगा ली थी कि जी चेक कर लिया था सारे पैरामीटर हैं या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ईमेल को हमने लोअर केस में कन्वर्ट करके और फिर हमने फाइंड वन की क्वेरी लगाई कि इस ईमेल से पहले से कोई यूज़र मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो हम प्रोसीड फर्दर करते हैं, अगर मौजूद है तो हम बोलते हैं कि भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, प्रोसीड फर्दर हम क्या करते हैं, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया था बिक्रिप्ट करके, और जो उससे हैश तैयार होता है उस हैश को हमने डेटाबेस में एज आ जब नया यूज़र हमने इंसर्ट किया है डेटाबेस में, कौन सी कलेक्शन में, यूज़र्स कलेक्शन के अंदर, तो हमने पासवर्ड में रियल पासवर्ड रखवाने के बजाय एक हैश रखवाया उसमें, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कह दिया साइनअप सक्सेसफुल। यहाँ पे हमारे साइनअप की जो API थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। साइनअप में इससे ज़्यादा मजीद कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टू डू लगा हुआ है, ये हमने करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रा लॉग इन कम्प्लीट कर लें पहले, फिर ये टू डू भी करते हैं। अच्छा, लॉगिन के अंदर हमने क्या कर लिया जी, कि वैलिडेशन लगा ली कि ईमेल और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, ठीक है। ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया हमने, और उसके बाद हमने दोबारा क्या किया, एक फाइंड वन की क्वेरी लगाई जिससे हमने क्या किया, इस ईमेल से अगर कोई यूज़र मौजूद है डेटाबेस में तो उस यूज़र को मैंने मंगवा लिया, वो यूज़र मेरे पास यहाँ रिज़ल्ट में आ गया, ठीक है। और रिज़ल्ट में अच्छा आया कि ये तो फाइंड वन या तो मुझे क्या देगा, या तो मुझे डॉक्यूमेंट देगा एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की शक्ल में, और या तो मुझे नल देगा ये, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इफ़ लगा के चेक कर लिया कि इफ़ नॉट रिज़ल्ट, अगर यूज़र नहीं मिला तो मैं बोलता हूँ यार एरर का मैसेज दे देता हूँ कि जी 403 ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। सही है, जाहिर है ईमेल इनकरेक्ट होगा जब यूज़र इस ईमेल से मौजूद नहीं हुआ डेटाबेस में। एल्स अगर यूज़र मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, उसी लाइब्रेरी के एक फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ इस हैश को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड रियल तो मैंने रखवाया नहीं था, तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट डॉट पासवर्ड के अंदर एक हैश मिलेगा जो कि रियल पासवर्ड नहीं है, हैश है उसका। उसको मैंने कॉम्पेयर करवा लिया अपने रियल पासवर्ड से जो अभी यूज़र ने मुझे भेजा है ईमेल के साथ। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो इस मैच का वेरिएबल इसमें मुझे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे इसमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। वेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है ये वाला फंक्शन, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब मैंने चेक करना है कि अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो मैं बोलता हूँ लॉग इन सक्सेसफुल, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है एल्स तो मैं बोलता हूँ भाई ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। यहाँ तक का काम हमने कर लिया था, और अब हमने अगला काम ये करना था कि जी लॉगिन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन लॉगिन जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैंने यूज़र को क्या भेजना था, एक अदर टोकन भेजना था जो वो हर दफ़ा अगली रिक्वेस्ट में मेरे साथ मुझे वो ला कर देगा, हर दफ़ा वो लेकर आएगा, सही है। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, जेसन वेब टोकन, यानी कि JWT करके एक लाइब्रेरी है उसका मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट आ गई JWT की। अच्छा, आ जाते हैं जी हम डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज, यस, ठीक है, लाइब्रेरीज में हम आ जाते हैं। अच्छा, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इन्होंने अलग अलग लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ तो ये है नहीं, ये एक इंक्रिप्शन की टेक्निक है ये, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए जी Node.js, तो मैं Node.js लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, ये आ गया Node। अब Node में जो है ना, ये जेसन वेब टोकन करके एक लाइब्रेरी है, एक जोस करके लाइब्रेरी है, एक AWS JWT वेरीफाई करके लाइब्रेरी है, ठीक है। तीन लाइब्रेरीज मौजूद हैं इसके अंदर ना Node.js में, ठीक है, जिसमें से जो है वो
जो सबसे ज़्यादा फीचर्स मुझे दे रहा है ये शायद मेरा फर्स्ट वाला दे रहा है, ठीक है। और इंटरनेट पे भी जहाँ पे भी ट्यूटोरियल देखेंगे आप तो वो यही इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरी जेसन वेब टोकन इसका पूरा नाम है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए npmi जेसन वेब टोकन, और उसके अलावा मैं इसकी व्यू रिपोजिटरी करके ना इसकी गिटहब की रिपोजिटरी में चला जाता हूँ, जहाँ पे मुझे ये कोड एग्जांपल वगैरह भी होपफुली मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पे मैंने क्या कर लेना है, JWT को इंस्टॉल कर लेना है। मेक श्योर करूँगा मैं कि इसी फोल्डर में हूँ मैं, ठीक है। और npmi जेसन सूडो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज ये फेल हो जाएगा परमिशन एक्सेस की वजह से, ठीक है। तो लिनक्स और मैक पे अगर कोई है तो उसको हो सकता है कि सूडो लगाने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब मुझे इस लाइब्रेरी को रिक्वायर ऊपर कर लेना है, ठीक है। ये इसके रिक्वायर का सिंटैक्स है जी। फोकस हाँ कर दो, कर दो, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायर क्योंकि हम नई वाली जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिक्वायर इसमें काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे ये क्या बोल रहा है, खैर यार हाथ से कर लेते हैं, नहीं हो रहा है ऐसे ना। सही है, तो मैंने उसको बोल दिया भाई इम्पोर्ट JWT, हो गया सही, इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ज़रा पुराना तरीका लिखा हुआ है इम्पोर्ट करने का, मैंने ज़रा इसको नए तरीके पे ना खुद ही से कन्वर्ट कर दिया। और अब मैंने अगला काम क्या करना है, जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है। यहाँ पे इन्होंने देखो एक बड़ी बेहतरीन बात बताई हुई है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने, यानी बहुत ही सिंपल सा करके लिखा है, JWT.sign। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है इसने और एक यहाँ पे इसने दिया है सर्वर सीक्रेट, और ये वाली चीज़ कॉल करने से मुझे एक टोकन बन के मिल जाएगा। आज वो देख लेते हैं हम कि इसको टोकन बन के मिलता है इससे या नहीं मिलता। अच्छा, इसको रन भी गजरा कर लेते हैं ना, npm run dev इसको रन भी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरा लॉगिन कंप्लीट होता है ना, ये रहा, यहाँ पे आके मैं ये वाली बात लिखता हूँ, ठीक है। लेट नहीं बल्कि इसको कॉन्स्ट कर देता हूँ, चेंज थोड़ी हो गई बाद में, अच्छा। तो मैंने बोल दिया भाई टोकन बनाओ, JWT.sign, साइन करो टोकन एक, सही है। और इसमें ये ऑब्जेक्ट डाला है मैंने और इसमें ये सर्वर सीक्रेट डाला है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट में क्या डालना है, सर्वर सीक्रेट में क्या डालना है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले ज़रा इतना देख लें कि ये टोकन आया कि मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, सही है। यहाँ पे मैं टोकन लिखता हूँ साथ में और टोकन में ये टोकन भेज देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा मैं क्या करूँगा, पोस्ट पैन से जब इसको करूँगा ना मैं API को कॉल करूँगा तो मुझे जवाब में क्या मिलना चाहिए, एक अदद टोकन भी मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, लॉगिन यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है मैंने, बना लेते हैं लॉगिन। ठीक है, देखो मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल के साथ साथ ना अब एक अदद क्या आ गया, टोकन भी आ गया। अच्छा, अब ये टोकन क्या करेगा, यूज़र अपने पास फ्रंट एंड पे इसको सेव कर लेगा और हर अगली रिक्वेस्ट के ऊपर ना इस टोकन को मुझे वो भेजेगा, ठीक है। अच्छा, अब दो बातें, एक तो ये कि इस टोकन को जो मैं बनाऊंगा तो इसको बनाते वक्त मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैं क्या दूंगा, और दूसरी बात ये कि क्या मैं इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बॉडी में भेजूंगा, ठीक है, या मैं कोई और तरीका इख्तियार करूंगा। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स की बॉडी में मैं भेजता हूँ तो कहीं ये टोकन लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई टोकन ये ऐसा तो नहीं होगा कि किसी और के हाथ लग जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हमने आज की क्लास में कोशिश करेंगे हम के कंप्लीट करके यहाँ से उठें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इसको मैं यहाँ पर नहीं भेजूँगा, ठीक है। इसको मैं कहाँ भेजूँगा भला, इसको मैं भेजूँगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कुकीज़ के अंदर रख के भेजूँगा इसको मैं, ठीक है। मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ मैं ये कहाँ से देख रहा हूँ, ये मैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से देख रहा हूँ। एक्सप्रेस कुकी रिस्पॉन्स लिखूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है।
रिस्पॉन्स डॉट कुकीज इस कुकी को वैसे हैंडल करने के लिए लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं जो अभी थोड़ी देर पहले खुला था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी को फ़िलहाल के लिए भी अवॉइड करेंगे, हम ज़रा प्लेन जो है ना ये कर लें। अच्छा रिस्पॉन्स वाले पे आ जाते हैं हम, ठीक है रिस्पॉन्स डॉट कुकी ये है वो फंक्शन, हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी एक है, तो इसी तरह ये रिस्पॉन्स डॉट कुकी भी है। ये इनपुट क्या लेता है, ये कुकी का नेम लेता है और कुकी की वैल्यू लेता है, और एज अ थर्ड पैरामीटर अगर आप ऑप्शन देना चाहें तो वो भी ये ले लेता है, ठीक है। अच्छा नीचे कोड एग्जांपल होपफुली इन्होंने दी हुई है, ये इसकी कोड एग्जांपल है, ठीक है, नेम टॉबी। अच्छा अब ये कुकीज़ क्या चीज़ होती हैं, ये की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, कुकीज़ जो है वो क्या होती है, की वैल्यू पेयर होता है। इसने देखो क्या किया है, दो की वैल्यू का पेयर इसमें ऐड किया है, एक तो इसने नाम रखवा दिया कुकी में और दूसरा उसने रिमेंबर मी को वन करवा दिया। जैसे लोकल स्टोरेज हमने देखा था कि जी की वैल्यू का पेयर होता है, जैसे जेसन का ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन जेसन के ऑब्जेक्ट में तो एक साथ डालते हैं, इसमें ये अलग अलग करके देना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो हम इसी तरह से क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी में जो है ना इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा टोकन और कॉमा, और ये टोकन की जो वैल्यू है मेरे पास ये मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। अब कॉमा एज अ ऑप्शन मुझे क्या क्या चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी वो देख लेते हैं ज़रा, ऑप्शन की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी ना, हाँ ये रही ना ऑप्शन की लिस्ट है तमाम। द ऑप्शन पैरामीटर इज एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन के अंदर जो थर्ड पैरामीटर देंगे वो भी ऑब्जेक्ट देंगे, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये वाली कीज़ उसमें हो सकती हैं। अच्छा इसमें मुझे सबसे पहली की जो है ना रिक्वायर्ड है जो, वो तो ये देनी है HTTP ओनली, इसको मुझे करना है ट्रू, अगर मैं इसको ट्रू नहीं करूँगा तो ये वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों हो जाएगा वो भी हम देखते हैं क्यों हो जाएगा, HTTP ओनली इसको मैंने करना है, ये लाजमी करना है। अच्छा उसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी हैं चीज़ें, मिसाल के तौर पर डोमेन हम पास कर सकते हैं कि जी डोमेन नेम फॉर द कुकी, कि जी कौन से डोमेन नेम पर ये काम करे उसके अलावा ये काम ना करे। मिसाल के तौर पे जब डोमेन नेम वो होता है कि जब पेज खुला हुआ होता है फ्रंट एंड पे, तो उसके ऊपर जो URL में लिखा हुआ होता है ना डोमेन का नाम, ये वो वाले डोमेन नेम की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको अलग से कोई चाहे आप सर्च करना तो वो कर सकता है। एक्सपायरी डेट इसमें हम डाल सकते हैं कि जी कितने टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, ये वाली कुकी जो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अच्छा अच्छा HTTP ओनली ट्रू और सिक्योर ट्रू में एक ही बात लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो हम दोनों को भी लगा सकते हैं, अगर सिर्फ हम HTTP ओनली लगा दें तो भी ठीक है। तो ये हमने कुकी में रख के भिजवा दिया, अब ज़रा देख लेते हैं कि ये मुझे जब पोस्टमैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको, तो आया कि मुझे ये कुकीज़ में मिलता है या नहीं मिलता। अब मैं लॉगिन हिट करता हूँ तो ये मुझे कुकीज़ में मिलना चाहिए। कुकीज़ मुझे यहाँ पे कैसे दिखेगा, रॉ ना बॉडी कुकीज़ ही रहा, सही है। कुकीज़ में देखो रिस्पॉन्स में मुझे ये टोकन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। डोमेन इसका लोकल होस्ट आ रहा है, अच्छा अगर डोमेन मैंने लिखा होता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डोमेन होता है यानी जिससे ये हिट हुई है ना तो वही ये कंसिडर कर रहा होता है, ठीक है। वेल अब इसको देख लेंगे, अगर आगे कोई मसला करता है ये तो हम इसको आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। सिक्योर को भी मैंने ट्रू करना है, सिक्योर यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखा हुआ रहा है, आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा सिक्योर ट्रू भी। ठीक है ये मुझे मिलना शुरू हो गया। अच्छा यहाँ तक मेरा क्या हो गया, ये वाला काम कंप्लीट हो गया कि जी मैंने टोकन जनरेट करवा के मैंने भिजवा दिया फ्रंट एंड के ऊपर। अच्छा अब चक्कर देखो क्या होगा कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या रखूँगा, ठीक है, और इस सर्वर सीक्रेट में मैं क्या रखूँगा। इस सर्वर सीक्रेट में मैं एक स्ट्रिंग रखूँगा जो कि सिर्फ मुझे ही पता होगा, सही है, वो किसी और को पता नहीं होगा। तो इसको मैं इस तरह से नहीं करूँगा, इसको मैं कैसे करूँगा, process.env.secret,
ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से मैंने उसको उठा लिया, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके मैं, मेरे पास जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इस वक्त वो क्या था, डॉट ई एन वी नहीं बनाया मैंने अभी तक यहाँ, हैरत है यार डॉट ई एन वी क्यों नहीं बना हुआ इसमें, डॉट ई एन वी मैंने नहीं बनाया अभी तक, इस क्लास में पढ़ाया मैंने डॉट ई एन वी, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेल अभी फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ, फिर ऊपर कह देता हूँ कॉन्स्ट, और मैं कह देता हूँ कि नहीं डॉट ई एन वी बना लेते हैं ना, असल में देखो डॉट ई एन वी क्या चीज़ होती है वो भी समझा देता हूँ, कि ये तो हमें पता है कि किसी भी सर्वर के एनवायरनमेंट में जब अपनी ऐप को डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के नाम से एक चीज़ मिलती है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लोकल चलाना है, ठीक है, और मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल भी मुझे चाहिए इसके अंदर, तो पोर्ट के केस में तो मैं ये जैसे पोर्ट मैं उठाता था ना एनवायरनमेंट वेरिएबल से, मैं कहता था पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, और अगर नहीं हो तो 3000, मैं ये वाली चीज़ कर देता था। अब यहाँ तक तो मसला है सही, लेकिन अगर मैं सेम चीज़ अगर सीक्रेट के साथ करूँगा, सही है, मैंने कहा भाई यहाँ पे से सीक्रेट में से उठा लो उसको, और अदरवाइज़ क्या कर दो जो है ना, ये लगा दो, क्या कहते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दो टॉप सीक्रेट, सही है, ये मैंने लगा दी बात। तो अब होगा क्या कि ये चल तो जाएगा इस हद तक, लेकिन जब ये इसको मैं डिप्लॉय करूँगा किसी जगह पे, या गिटहब में ज़ाहिर है इस कोड को मैं पुश करूँगा, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ना चली जाएगी मेरी, सही है, मतलब जो लोकल मैं चला रहा हूँ जो चीज़ स्ट्रेटजी में क्या कर रहा हूँ वो कुछ ना कुछ चीज़ लीक हो जाएगी। फिर दूसरा ये कि मुझे हर फाइल में ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने इस फाइल में किया, दूसरे फाइल में तो मुझे मिलेगा नहीं ये, ठीक है, मुझे ये टोकन की ज़रूरत कई और जगहों पे भी पड़ सकती है। फिर उसके अलावा क्या होती है, मेरी बहुत सारी कीज़ होती हैं, बहुत सारी API की जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी होती है, तो उन तमाम को भी मुझे क्या करना होता है, इसमें रखना होता है, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखना होता है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगा मैं वहाँ वहाँ ये काम करूँगा। अब किसी बंदे ने मेरा कोड अगर क्लोन किया तो उसको वो सारी API की क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी ना, जभी तो वो कोड चलेगा, अदरवाइज़ तो वो चलेगा नहीं। तो ये इन सारे जो झमेलों का हल है ना, एक ही हल है, वो है डॉट ई एन वी। डॉट ई एन वी में क्या होता है कि हम छोटी सी यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं डॉट ई एन वी करके, सही है, और इसमें वो तमाम के तमाम जो है ना हम सीक्रेट रखवा देते हैं, और इस फाइल को हम गिट इग्नोर में भी डाल देते हैं डॉट ई एन वी, सही है, डॉट ई एन वी में डाल देते हैं इसको। ओह क्या हुआ, ये डॉट ई एन वी मैंने कर दिया, ठीक है, डिम हो गया ये देखो, और अब क्या होगा, ये डॉट ई एन वी कहीं पे भी पुश नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा पोर्ट, सही है, इक्वल्स 3000, इसमें ये सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ऐसे करके मैं ना यहाँ पे बनाता चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, और एक और मैं क्या करूँगा, इसका एक कॉपी बनाऊँगा मैं ई एन वी टेम्पलेट, क्योंकि इस ई एन वी को तो मैं पुश कर रहा नहीं हूँ, तो जब भी किसी को ये कोड मिलेगा तो उसको ई एन वी टेम्पलेट मिलेगा जिसमें ये सामने की फील्ड्स खाली होंगी सारी, ठीक है, लेकिन वो मैं कोड पुश करने से थोड़ी देर पहले करूँगा। अच्छा, उसी में मैं ये सीक्रेट भी बना दूंगा, कहाँ गया मेरा ये, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि मेरा जो एक सीक्रेट होगा ना, सर्वर का सीक्रेट होगा, वो मैंने कहाँ रखना है, वो मैंने रखना है एनवायरमेंट वेरिएबल में, और एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए ये वाली लाइब्रेरी का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, इसमें ये वाली की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, डॉट ई एन वी अगर आपने देखना हो, आप लिखेंगे यहाँ पर डॉट ई एन वी एंटर, सही है, ये डॉट ई एन वी आ गया। यहाँ पे ये फाइल में क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, सारा इसके अंदर यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। npmi डॉट ई एन वी माइनस माइनस से लगा दें तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं होती ना लगाने की इसको। ठीक है, डॉट ई एन वी को मैंने सेव कर लिया, हाँ यार आ जाओ। अच्छा, अब मैं डॉट ई एन वी की जो फाइल बनाऊंगा ना, देखो उसमें इस तरह लिखूंगा मैं। अच्छा, इसने बोला यहाँ पे लगेगा, ये डबल कोटेशन लगाया है इसने, चलो हम भी लगा देते हैं, इसने लगाया है तो ठीक है, डबल कोटेशन इसने लगाया है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो भी आपकी पहली फाइल है ना जो रन होती है, उसके अंदर आपने ये काम कर देना है, डॉट ई एन वी का कॉन्फिग चला देना है आपने, ठीक
ठीक है आ जाओ। और हमारी जो सबसे पहली फाइल चलती है वो सर्वर की फाइल है, तो यहाँ पे आके मैं क्या चला दूंगा, ये कॉन्फ़िग चला दूंगा। ठीक है, ये किया हुआ क्या, असल में इसको रिक्वायर भी किया हुआ है और स्लैश कॉन्फ़िग को साथ में रन भी किया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो ये रिक्वायर वाला सिंटैक्स चलेगा नहीं, तो नए वाला जो जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, उसके अंदर मुझे उसको बोलना पड़ता है कॉन्स्ट, तो नहीं सॉरी इम्पोर्ट, सही है .env/config, सही है जस्ट लाइक दैट। अभी इसको मैं गूगल पे लिखूंगा ना, बल्कि यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने बताया हुआ होगा, हाँ ये बताया हुआ है, ES6 में कह रहा है बस ये लिख दो आप, ठीक है, और ES5 में जो है वो ऐसे करके लिख दो, सही है। तो मैंने इस तरह करके सेम करके लिख दिया है यहाँ पर, तो ये .env हमारा क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया, वापस आ जाते हैं हम। अब क्या होगा कि जब भी मेरा सर्वर रन होगा ना, जब तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, ये लाइन क्या करेगी कि .env की फाइल में जाके ये जितना भी है ना आइटम ये मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर देगी। लेकिन ये है किसके लिए, सिर्फ ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, ये सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर चलेगा। ठीक है, मैं कभी भी इस .env की फाइल को GitHub में पुश नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा इसकी कॉपी बनाऊँगा, इसको मैं बोलूँगा .env_template या इस तरह का कोई भी नाम रखूँगा, और इन सबको मैं क्या करा दूँगा यहाँ पे खाली करा दूँगा, खाली करा के सेव करूँगा और इसको पुश कर दूँगा, ताकि जो भी बंदा कोड चला उसको बताओ कि अच्छा यार ये दो चीज़ जो है ना मुझे देनी पड़ेगी जब ये चलेगा, अदरवाइज़ ये कोड मेरा चलेगा नहीं। अच्छा, तो ये करने के बाद क्या होगा, मैं auth में वापस जाता हूँ, और auth में वापस जाके क्योंकि मैंने .env में ये रखवाया हुआ है सीक्रेट के नाम से एक वेरिएबल, तो मैं जहाँ पे भी इसको गेट करूँगा ना process.env.secret, तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो उसके अंदर रखी हुई है। ठीक है, फिर जब ये सर्वर पे मेरा कोड चला जाएगा, मेरे सर्वर पे जब ये पुश हो जाएगा, तो उस वक्त भी तो मुझे मिसाल के तौर पे मुझे ये पता होना चाहिए ना कि सर्वर पे कौन कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने सेट कराना है। तो इस टेम्पलेट में आके देखूंगा अच्छा यार ये दो चीज़ें सेट करानी है, तो ये दोनों में सेट करा दूंगा। इससे ये होगा, समटाइम ऐसा होता है अगर ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं आपके पास ना, तो कोई एक आध मिस हो गया तो क्या होगा, कोड सही चलेगा लेकिन एक सर्टन फंक्शनैलिटी पे जाके कोड ब्रेक होगा क्योंकि वो मिल नहीं रहा होगा उसको, तो ये उसमें भी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन स्टिल ये .env की फाइल को कभी भी मैं पुश नहीं करूँगा, और ये GitHub में कोड पुश करने के लिए भी सेफ हो गया है कि मैं कोई भी चीज़ लिख के पुश करूँगा वो बस एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाना है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो हो गई, बहुत सारे मसले मसाइल का हल हो गया ये। अच्छा, तो ये जो सीक्रेट है ना ये सिर्फ मुझे पता होगा सर्वर पे, ये किसी और को पता नहीं होगा। अगर ये सर्वर आपका कभी भी किसी वजह से लीक हुआ तो आपका गेम उतर गई, सही है, तो ये आपने लीक नहीं करना है और इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में ही रखना है आपने। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि जी सीक्रेट जो आपका होना चाहिए सर्वर का वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो लोग मतलब 10-12 कैरेक्टर का लिखते हैं, उसमें ज़रा स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हैं एक आध, इस तरह करके लोगों ने लिखा होता है इंटरनेट पर, लेकिन कुछ भी लिखते हैं आप इट डजेंट मैटर, आप 3 कैरेक्टर लिखें तो भी एक ही बात है, लेकिन वो गैस करने के हिसाब से है वो असल में ना, कि वो गैस करने के एतबार से ना वो ज़रा मुश्किल होना चाहिए, वरना अगर आपने 3-4 कैरेक्टर लिखा है ना कोई, तो आपका टोकन तो है मिला हुआ है, मतलब किसी बंदे ने अकाउंट बनाया तो टोकन आ गया ना आपका, उस टोकन को लेके वो जब आइट्रेशन मारेगा ना तो किसी न किसी एक पे हिट हो जाएगा वो, समझ रहे हो, तो ये वाला चक्कर है। तो ज़रा सा मुश्किल होना चाहिए कि इतनी आसानी से भी गैस ना हो जाए, जैसे पासवर्ड रखते हो ना आप, बस पासवर्ड जनरेशन का जो क्राइटेरिया है वही इसका भी क्राइटेरिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बंदे की ईमेल लिख दूंगा मैं, ठीक है, बंदे की ईमेल यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा भाई ईमेल, भला request.body.email। अच्छा, और मैं इस टोकन इस के अंदर ना मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चाहूँ तो और कुछ भी चीज़ मैं लिख सकता हूँ। टोकन तैयार हो रहा है, जब ये वापस आएगा ना बंदा, तो मैं इस टोकन को जब पार्स करूँगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे इसी तरह से मिलेगा जैसे मैंने इसमें रखवाया है। ठीक है, ये टोकन जब अगली दफ़ा बंदा वापस लेकर आएगा ना मेरे पास, तो ये ऑब्जेक्ट जिस तरह मैं रखवा रहा हूँ ना, ये एज इट इज़ मुझे इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, क्रिएटेड ऑन लगा दूंगा इसमें, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, न्यू डेट डॉट गेट टाइम करके ना, ये मैंने मिली सेकेंड्स में इसको क्या रखवा दिया, इसमें एक डेट भी रखवा दी मिली सेकेंड्स में क्रिएटेड ऑन करके। अच्छा, और इसमें क्या रखवा दूँ मैं, जो भी चीज़ रखवाना चाहूँ मैं इसमें रखवा सकता हूँ। अच्छा, इसमें मैं ये भी बात रखवा सकता हूँ कि इज़ एडमिन, मैंने कहा ये फॉल्स भाई, एडमिन नहीं है ये,
तो ये तीन चीज़ें जो मैंने रखवाई हैं ना, ये जब भी मेरे पास टोकन वापस लेकर आएगा बंदा, तो मुझे ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ इसी तरह से मिलेगी, ठीक है। अब ज़रा हिट करके देखते हैं। अच्छा, ये दोनों काम मेरे सेट हो गए। सीक्रेट मैंने समझा दिया, ये ऑब्जेक्ट मैंने समझा दिया कि इस ऑब्जेक्ट में आप जो लिखेंगे वो एज इट इज़ मिलेगा, तो आप कोई भी चीज़ रखवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सीक्रेट चीज़ नहीं रखवानी है, जैसे कि बंदे का पासवर्ड नहीं रखवा सकते आप, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो सीक्रेट है, सही है, वो आपने इसमें नहीं रखवानी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये ऑब्जेक्ट ना टोकन के अंदर एज इट इज़ मौजूद होता है, ठीक है। अभी देखो, मैं जब वापस जाऊंगा ना यहाँ पर, इन बाकी फाइलों को बंद कर देते हैं। देखो, जब मैंने लॉगिन हिट किया ना, क्या हुआ? अच्छा, सर्वर चल नहीं रहा। अरे चल जा भाई, अच्छा 3001 पे चलता था ना सर्वर पहले मेरा, अभी मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में 300 कर दिया है, तो ये वाला मसला एक हो गया। कहाँ पे मैंने लिखा था ये 3001? नहीं, वो मैंने सर्वर के मेन फाइल पे भी कहीं लिखा हुआ था ना, उसमें मैं 3000 ही कर देता हूँ ना, ये लिखा हुआ मैंने, इस पे भी मैं 3000 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन से बचा जा सके, दोनों जगह एक जैसा हो। नहीं, मैं 3000 चेंज कर दूंगा ना इसको। अच्छा, एक चीज़ और भी मेंशन करता चलो मैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेस यूआरएल चेंज हो गया मेरा। अब ये तो पूरी मैंने कलेक्शन बनाई हुई है इसके ऊपर, अब मेरा बेस यूआरएल, अब मुझे सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, इधर 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 सब जगह चेंज करना होगा, ये तो बड़ा मसला है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे बेस यूआरएल, ठीक है। ये मैंने पोस्टमैन से मुतालिक चीज़ है, ये पोस्टमैन की चीज़ है ये। अच्छा, ये पोस्टमैन जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब में ये ऑप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे से जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ये रहा, ये है एनवायरनमेंट, ये पोस्टमैन का एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एक चीज़ बनी हुई है बेस यूआरएल के नाम से, और उसकी इनिशियल वैल्यू थी 3001, करंट वैल्यू है 3001, तो इसको मैं चेंज करके क्या कर दूँगा, 3000 कर दूँगा, दैट्स इट। यहाँ पे नया वेरिएबल ऐड करना है मुझे, तो मैं ऐड का बटन दबा के नया भी ऐड कर सकता हूँ, सही है। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 3001, करंट वैल्यू 3000। जब भी मेरी ये वैल्यू चेंज होगी, मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके चेंज करूँगा, सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है कि मैंने शुरू में क्योंकि ये काम किया नहीं था, तो मुझे साइनअप में, लॉगिन में, सब जगह जाके ये काम करना होगा, सही है। जो मेरी पोस्ट की APIs थी तमाम की तमाम, उसमें भी मुझे ये काम करना होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ में मैंने एक दो में किया हुआ है, कुछ में मैंने किया हुआ है, बस इन दोनों में ही नहीं हुआ हुआ था। चलो खैर, सब जगह हो गया। इसका मतलब है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। चलो गुड। अच्छा, लॉगिन कर दिया मैंने, और अब लॉगिन को हिट करूँगा मैं, तो ये अब सही चल जाएगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, और कुकीज़ में मुझे देखो ये टोकन मिलना शुरू हो गया है। अब ये टोकन जो है ना, ये JWT का जो टोकन है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके आके मैंने क्या बोला, JWT प्लेग्राउंड, और JWT प्लेग्राउंड पे आके ना ये मैंने रखा टोकन इधर, और मैंने इसको किया पेस्ट यहाँ पे। तो आप देखो, जो चीज़ मैंने जैसे रखवाई थी ना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे वैसे ही नज़र आ गई है, ठीक है, समझ रहे हो ये। अच्छा, अब सवाल ये है कि फिर ये इस टोकन की ऑथेंटिकेशन क्या हुई। अच्छा, इस प्लेग्राउंड से मैं ये टोकन बना भी सकता हूँ, हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है फिर?
इसकी ऑथेंटिकेशन क्या हुई फिर? हाँ नहीं, ये तो मैंने देख लिया ना, इसमें जो भी पढ़ा हुआ था। हाँ, टोकन जिधर भी भेजेंगे ना हम, वही सब कुछ देख सकता है। हाँ हाँ भाई, कल क्या किया था? ये ब्राउजर में सेव होता है। अच्छा, दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त लॉग इन साइनअप के सिस्टम बने हुए हैं ना, 99% में अंडर द हुड ना JWT इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इसी के टोकन पे सारा चल रहा है। फेसबुक हो, गूगल हो, AWS हो, सब इसी पे चल रहा है, ठीक है। अंडर द हुड ऊपर से वो जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ऊपर से उन्होंने बोला भाई OAuth है, पता नहीं क्या है अंदर, लेकिन यही है उसके, ठीक है। OAuth वगैरह सारा ऑन द टॉप ऑफ JWT ही काम करते हैं वो। अच्छा, अब समझ लो ये है क्या। देखो, इंक्रिप्शन सब लोगों को पता है क्या होती है, क्योंकि लास्ट टाइम ने कल वो हैश भी एक देखा था, तो वो मैंने बताया था इंक्रिप्शन की टेक्निक है। कोई बता पाएगा इंक्रिप्शन क्या होती है? ज़रा इसकी थ्योरी समझ लेते हैं ना, 5 मिनट रुक के हम, फिर उसके बाद वापस कोड में आ जाएंगे। कोई बता पाएगा इंक्रिप्शन क्या चीज़ होती है? हाँ भाई जी, काफी करीब करीब बताया उन्होंने। सही है, मुझे इसकी बात ही समझ नहीं आई। क्या किसी को समझ आई? नहीं, मतलब कुछ समझाया तो है इसने, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो वो तो हैश जो मैंने कल पढ़ाया था, वो तो इंक्रिप्शन की एक टेक्निक है हैश, लेकिन इंक्रिप्शन इटसेल्फ क्या चीज़ है, ये अगर आप बताओ ना। अभी कोडिंग वोडिंग भूल जाओ जी। अच्छा, सही बिल्कुल बताया यार इन्होंने। देखो, पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे ना, उनको ज़ाहिर है कम्युनिकेट करना होता था एक दूसरे से। अब बादशाह सलामत का खुद उठ के जाना ना एक से दूसरी जगह, ये बड़ा मसला है, आज भी मसला है कि भाई वो सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा, फिर पूरा काफिला जाएगा, फिर उसके अखराजात भी होते हैं मूव करने के। तो बादशाह सलामत आमतौर पर मूव नहीं करते हैं, बादशाह सलामत एक ही जगह बैठते हैं। शतरंज के गेम में भी बादशाह सलामत मूव नहीं करते, बादशाह सलामत एक ही जगह बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट तो करना है, तो वो पहले ज़माने में क्या होता था कि जब एक बादशाह दूसरे बादशाह से मुलाकात करते थे ना, तो वो क्या करते थे, की शेयर कर लेते थे। लेकिन उससे भी पहले क्या होता था, जब ये भी एक हमारे बच्चे थे लियोनार्डो डिविंची, लियोनार्डो डिविंची का एक मास्टरपीस था, क्या था उसका, क्रिप्टेक्स।
ये मेरा भाई लियोनार्डो डिविंची का ना क्रिप्टेक्स था ये, ठीक है? ये क्या है, कुछ समझ आ रहा है? ये देखो, ये जो है ना एक छोटा सा सेफ है, छोटा सा मिनी सेफ है ये। अच्छा, इसमें ये देख रहे हो, ये खुल के ये बाहर आया हुआ है, ये असल में खुला हुआ है, ये खुल के ये पीस पूरा बाहर आ जाता है, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से ये बाहर आ जाता है। इस सिलेंडर के अंदर ना इस जगह पे जो दिख रहा है तुम्हें, ये एक ग्लास की बॉटल है, बारीक सा ग्लास की बॉटल है ये। इसके अंदर भरते थे वेनेगर, वेनेगर यानी उस ज़माने का एसिड समझ लो आप। और इसके ऊपर इस सिलेंडर को खोल के ना इस पर पेपर लपेट के ना बादशाह, और इसको बंद करके दे देता था, जो मैसेंजर था उसको दे देता था कि भाई ले जा तू जहाँ दूसरे बंदे के पास पहुँचा दे। अच्छा, इसका बेनिफिट ये होता था कि ये कोड पहले ही शेयर कर लेता था बादशाह, एक बादशाह दूसरे बादशाह को ना ये कोड पता होता था, तो वो यहाँ से जो कोड लगा के भेजता था वो सामने वाले को पहले से पता होता था, प्री शेयर्ड की होती थी। और रास्ते में अगर मैसेंजर इसको खोलने की कोशिश करे तो उसको कोड नहीं पता, वो खोल नहीं सकता, ठीक है? अगर मैसेंजर का कत्ल कर दिया जाए रास्ते में और उससे ये ले ले कोई, तो वो इसको खोल नहीं सकता, की नहीं पता इसकी। अगर वो इसको काटने की कोशिश करे या तोड़ने की कोशिश करे तो अंदर की ग्लास की बॉटल, क्योंकि ये मेटल है ना पूरा, तो इसको तो तोड़ने के लिए पावर चाहिए होगी, अंदर वो सिरके की बोतल टूटेगी और अंदर जो कागज़ है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? पाउडर, अच्छा कागज़ भी नहीं होता था उस वक्त, अभी पेपर जो आज की जो जदीद फॉर्म है ना पेपर की, ये उस वक्त होता था पाइपरस, लियोनार्डो डिविंची के दौर में, इवन मिर्ज़ा गालिब के दौर तक भी जो है ना पाइपरस, टीपर सुल्तान के दौर में, तो पाइपरस जो होता था वो होता तो पेपर जैसा ही था, लेकिन उसमें बाकायदा ना आपको वो लकड़ी के पीसेस नज़र आते थे, इतना फ़ाइन पेपर नहीं होता था आज के ज़माने में जो हम देखते हैं ना, ये बड़ा फ़ाइन पेपर है, इसमें आपको लकड़ी नज़र नहीं आती, आप गौर से भी देखें आपको फील नहीं होगा कि ये लकड़ी से बना हुआ है। वो पाइपरस जो होता ना ज़रा येलो कलर का होता था, शायद आपने भी देखा हो अपने कोई पुरानी बुक्स में, बचपन में शायद नज़र पड़ी हो आपकी, तो वो पाइपरस जो बड़ा आसानी से जो है ना वो घुल जाता था। तो बहरहाल अभी जो जदीद फॉर्म है पेपर की वो ज़रा ज़्यादा ड्यूरेबल है। अच्छा, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आपको दिखेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल वाला है ना वो इस तरह का ही है कुछ, ठीक है? इस तरह का है ओरिजिनल कुछ। अच्छा, ये आज भी मिल जाता है, ये देखो ना ईबे का, ये इट्सी का इश्तहार है, ये ईबे पे, इट्सी पे, अमेज़ॉन पे, ये अली एक्सप्रेस पे, ये आज भी अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन आजकल लोग इसको ज़रा उस चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करते, आजकल तो बस ज़रा उसका मास्टरपीस है तो लोग वैसे ही शौकिया उसको ले लेते हैं, इसका अब यूज़ केस नहीं रहा कोई। वेल, तो जब ये क्रिप्टेक्स का दौर एक चला होगा कुछ अरसे तक, उसके बाद आ गया मैथमेटिक्स का दौर। अब मुझे नहीं पता कि लियोनार्डो डिविंची से लेके अब कितने अरसे बाद तक ये चलता रहा, लेकिन उसके दरमियान में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का एक बड़ा उरूज आया। आपको पता है मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे वो मैथमेटिक्स के बाबा है, मैथमेटिक्स समझे जाते हैं, ये अलजबरा वलजबरा जादू और ये सारी चीज़ें, तो उसी दौरान कहीं ना कहीं ये हुआ कि इंक्रिप्शन की इजाद हुई। इंक्रिप्शन क्या करते थे वो, उन्होंने बोला यार जब पहले से ही प्री शेयर्ड की होती है ना आपके पास, तो आप मैसेज को ही ऐसा कर दो कि वो पढ़ा ही ना जाए, इतना उसको ताम झाम की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई पूरा वो पीस लगाओ और ये करो, है ना, कन्वर्ट हो जाए समाओ। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने फिर मैथमेटिशियंस ने, जो मोस्ट प्रॉब्ली ये काम किया होगा, मुझे नहीं पता, मेरी स्पेकुलेशन है कि कुछ इस तरह से ये चला होगा स्टोरी, कि जी एक पेपर है उसके ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है। अच्छा, प्री शेयर्ड की मिसाल के तौर पे मैंने सोच लिया कि यार 2354 ये चार डिजिट की जो है ना की है, जो प्री शेयर्ड है, पहले से शेयर्ड है। अच्छा, और लेटर ऐसे शुरू होता है कि हेलो माय डियर, कौन सा किसी किंग का नाम बताओ मिसाल के तौर पे सदर बुश को लिख रहे हैं, ठीक है? हेलो माय डियर बुश, ऐसे ये शुरू हुआ है। अब इस पहली लाइन को मैं कैसे इनक्रिप्ट करूं? मैंने ये किया कि जो पहला लेटर था ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? जो दूसरा लेटर था उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, शुरू वाले 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर तीसरा जो लेटर था उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दिया, और चौथे को भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो था ना हाउ, वो हाउ क्या बन गया, वो कुछ और बन गया, ठीक है? एच को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, H2O नहीं बनेगा भाई, एच का जाहिर है कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा ना, तो जाहिर है वो सीरियल नंबर, मतलब इमेजिनेशन चल रही है सारी है,
इस तरह का कुछ हुआ होगा। मिसाल के तौर पर 26 लेटर होते हैं ए बी सी डी में, तो मिसाल के तौर पर एच कितने नंबर पर आता है, शायद कोई 15 या 18 नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है, सही है। तो 8 को मल्टीप्लाई मारा मैंने 2 से, तो क्या बना, 16 बना। तो 16वें नंबर पर जो कैरेक्टर आता था वो कर दिया मैंने, सही है। और उसके बाद ई, ई जितने भी सीरियल नंबर पर आता है उसको मैंने, उसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई मार दिया, तो जो भी बना वो आ गया, ठीक है। किसी में ऐसा हुआ कि वो 26 से आगे निकल गया तो मैं दोबारा 0 से घुमा दूंगा। 20 हाँ नहीं छोटी नहीं, वो अगर छोटा स्मॉल कैपिटल तो उसमें है नहीं ना, वो तो लेटर है ना, लेटर में स्मॉल कैपिटल थोड़ी होता है, वो तो एक ही होता है सारा। तो हाँ प्रोग्रामिंग में होता है स्मॉल कैपिटल अलग अलग। अच्छा, कोई अगर कैरेक्टर ऐसा हुआ कि वो 26 से Z से आगे निकल गया तो मैं Z के बाद दोबारा ABCD शुरू कर दूंगा। तो वो इस तरह करके क्या कर दिया मैंने, इनक्रिप्ट कर दिया। वो लेटर ऐसा हो गया कि कोई भी उसको पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा, समझ आ गया ना ये। अच्छा, जिसके पास वो पहुंचा है अब लेटर, वो क्या करेगा, उसके पास ये की मौजूद है, वो ऐसे ही पहले से शुरू करेगा, पहले लेटर से, और इसी सीक्वेंस में ना अपोजिट काम करेगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो डिवाइड मारेगा, जहाँ मैंने डिवाइड मारा था वो मल्टीप्लाई मारेगा। तो ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सी इंक्रिप्शन की आपको एक टेक्निक समझाई, जिसको साइफर भी, अच्छा ये तरीका आज तक चलता है, ठीक है, ये आज भी ये तरीका काम करता है। तो अब ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गई। अरे फिर हर बादशाह के लिए अलग अलग की मैंने उसको शेयर की हुई है। मिसाल के तौर पर मैंने अमेरिका के बादशाह के लिए एक अलग की उसको भिजवाई हुई है, एक फ्रांस का बादशाह था उसके लिए अलग की भिजवाई हुई है मैंने, ठीक है। तो जिसको भी मैंने खत लिखना है मैं उसी की के हिसाब से इनक्रिप्ट करके भेजूंगा, वहाँ जाके वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं क्या, टू वे इनक्रिप्शन। टू वे इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि इनक्रिप्ट भी होगी बाद में डिक्रिप्ट भी हो जाएगी, सही है। इनक्रिप्शन समझ आ गई सब लोगों को। अच्छा, एक होती है वन वे इनक्रिप्शन। वन वे इनक्रिप्शन क्या होती है कि भाई वो इनक्रिप्ट तो हो जाएगी लेकिन डिक्रिप्ट नहीं होगी वो वापस, ठीक है, जैसे कि वो बिक्रिप्ट हैश जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि वो भी इनक्रिप्शन है तो ज़रा उसका भी जिक्र हो जाए। वन वे इनक्रिप्शन में क्या होगा कि वंस वो इनक्रिप्ट हो गई तो वो दोबारा डिक्रिप्ट नहीं होगी ओरिजिनल कॉन्टेंट में। अब ये कैसे हो सकता है भाई, इनक्रिप्शन तो मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इसमें तो इनक्रिप्शन में हमेशा टू वे होगा, वन वे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये वन वे क्या वाला है, इमेजिन करो कि तुम्हारा क्या नाम है, अच्छा बिलाल का मैंने बिक्रिप्ट हैश कैलकुलेट करना है, बिलाल का मैंने हैश कैलकुलेट करना है, तो मैंने 10 डिजिट का हैश कैलकुलेट करना है। हैश जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, हमें ये पहले से पता होता है कि कितने डिजिट का करना है, ये हमें पहले से पता होता है कि जी इतने, जैसे वो लिखा होगा ना 256 बिट का हैश कैलकुलेट करना है, जैसे शाह 256 है, SHA करके ना एक एल्गोरिथम है शाह उसको कहते हैं, जो बिटकॉइन में भी लगता है वही वाला। तो शाह 256 का मतलब है कि इससे जो हैश कैलकुलेट होगा ना वो 256 बिट का होगा। 256 बिट का क्या मतलब है, अगर एक कैरेक्टर एक बिट का है तो 256 कैरेक्टर, हमने ये पढ़ा था ना जावास्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, तो अगर एक कैरेक्टर एक बिट लेता है तो 256, तो जितने भी बनेंगे 256 बिट में जितने कैरेक्टर आते हैं उतने कैरेक्टर का बनेगा ये ऑटोमेटिकली, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। 1024 बिट लिखा होगा कहीं कहीं कि जी 1024 बिट का है, ठीक है। तो अब JWT में वो कौन सा, या बिक्रिप्ट में वो कौन सा बिट करता है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा कि जी कितने बिट का करता है, क्योंकि आप JWT का जब भी हैश कैलकुलेट करोगे ना वो एक जितना ही आएगा, सॉरी JWT कर रहा हूँ, वो हैश तो नहीं है ना JWT, बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट में आप लेटर ए लिखोगे ना सिर्फ एक लेटर तो भी उतना ही गलत करेगा वो, और अगर आप 200 लेटर लिखोगे, 500 लेटर लिखोगे, 2 अरब लेटर लिख दोगे तब भी उतना ही डिजिट का करेगा वो, डिजिट कम ज़्यादा नहीं करेगा। हैश हमेशा क्या होता है, उसकी लेंथ फिक्स होती है, जितना मैं बोलूँगा उतने का ही करेगा। अच्छा, तो क्या बताया तुमने नाम, बिलाल का मैंने हैश कैलकुलेट करना है और 10 डिजिट का करना है, 10 कैरेक्टर्स का करना है। अच्छा, तो मैंने बोला यार कि शुरू के जो 2 कैरेक्टर है ना वो उसमें लगा दो, बिलाल की हाइट इस वक्त क्या है इंचेस में क्या है, शुरू के 2 कैरेक्टर ये लगा दो कि भाई इंच इतने इंचेस की हाइट है। अच्छा, फिर अगले जो 2 डिजिट हैं या कैरेक्टर हैं उसमें इसकी एज लगा दो कि इस वक्त इसकी एज क्या है, सही है, यानी एज का मतलब है डेट ऑफ जो बर्थ ईयर है, 4 डिजिट मैंने बर्थ ईयर कर दी, कितने हो गया, 6 डिजिट होगा मेरी ये। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, हेयर कलर लिख दिया उसके अगले वाले पे,
ठीक है, जो 6 डिजिट का मैंने जो हैक्स कोड होता है कि जी इसका हेयर कलर क्या है, हैक्स कोड मैंने 6 डिजिट का लिख दिया, तो कितने हो गए ये 12 हो गए, नहीं ज़्यादा हो गए ये, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह करके मैंने 10 डिजिट तक कर लिया। अब क्या इस 10 डिजिट को मैं वापस बिलाल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इस 10 डिजिट को मैं क्या वापस ओरिजिनल कंटेंट में कर सकता हूँ कन्वर्ट? नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास बिलाल आ जाए और मुझे ये बोला जाए कि यार इस हैश को आप मैच करो कि क्या ये बिलाल का ही हैश है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा डेट ऑफ बर्थ लूँगा, दोबारा हाइट लूँगा, दोबारा वेट जो जैसे मैंने किया था वैसे ही करूँगा, सेम आएगा हर दफ़ा, सेम आ गया तो इसका मतलब है मैच हो गया। लेकिन अगर मेरे पास कोई सिर्फ हैश लेकर आए, उसको बोले कि यार इसको कन्वर्ट करो ओरिजिनल बंदे में, तो वो कैसे होगा? वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह जितनी भी ये फाइलें हमारी, जैसे आप गूगल क्रोम अगर डाउनलोड करते हो ना, तो गूगल क्रोम को जहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है वहाँ पे उसका हैश भी लिखा हुआ होता है, कि वो कहता है कि जब ये फाइल आप सही से डाउनलोड कर लो तो उसके बाद इस हैश से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आया कि आपके पास सही फाइल आई है गलत, क्योंकि बीच में कोई प्रॉक्सी भी लगा देता है, कोई आपके नेटवर्क में कोई इंजेक्शन लगा दे बीच में कि आप समझ रहे हैं मैंने गूगल क्रोम डाउनलोड किया है, लेकिन आप असल में उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, जो दिखने में गूगल क्रोम जैसा होता है। अब जब उसको चलाएंगे आप, तो आपके कंप्यूटर में जो वो एज अ ट्रोजन वो काम करेगा और जो भी करना होगा, मेल फंक्शन करेगा, मेलवेयर करेगा, या जो भी स्पाई करेगा आपके कंप्यूटर को, तो वो सिक्योरिटी रिस्क एक हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिन लोगों को इसका ज़्यादा वो होता है शौक कि नहीं जी मैं वेरीफाई करूँगा पहले कि ये सही फाइल आई है, तो वो उसके लिए हैश उन्होंने लिखा हुआ होता है कि जी डाउनलोड करने के बाद ये हैश देखो। अच्छा, तो क्या करेगा वो हैश? वो ये करेगा कि उसको मैं दूंगा एक्जी फाइल जो मैंने डाउनलोड किया, जो भी फॉर्मेट मैटर नहीं करता, जिप फाइल हो या एक्जी फाइल हो या MP3 फाइल हो, MP4 फाइल हो, वो फाइल दूंगा मैं, और साथ में क्या दूंगा, वो हैश दूंगा, और वो मुझे मैच करके बताएगा कि ये हैश इसी फाइल का है या नहीं है। इसी तरह साइज़ देखेगा उसका, वो बिट्स देखेगा, जो भी चीज़ें देखता होगा वो कुछ सर्टन फीचर्स को देख के उठाएगा और उसको मैच करेगा तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं उस फाइल का एक बिट भी चेंज कर दूं तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने तो बड़ा सिंपल बताया ना कि जी हेयर कलर और डेट ऑफ, इतनी सिंपल चीज़ें नहीं देखता वो ज़रा कुछ इस तरह की चीज़ें देखता है जो ज़रा सी भी चेंज हो ना तो वो चेंज हो जाए, सही है। ज़रा सा भी अगर मैंने फाइल को चेंज किया, शुरू से आखिर से दरमियान से कहीं से भी, तो वो हैश चेंज हो जाता है, ठीक है। हैश इंग्लिश में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता पाएगा? हैश मेरा ख्याल है कहते हैं उसको जो, हाँ, राख को कहते हैं, ठीक है। एक हैश एक नशा भी होता है वैसे, चरसें आ गई इसमें। ये तो जो हैश होता है ना, ये तो हशीश होता है, ये तो अलग चीज है। वेल, पता नहीं यार, हाँ क्या दिखा रहा है? अच्छा, ठीक है। तो हैश जो होता है, अगर जैसे मान लो कि छाई को कहते हैं, जो जलने के बाद जो चीज़ राख बच जाती है उसको कहते हैं, तो राख को देख के ये बताया जा सकता है कि किस चीज़ की राख थी, बताया जा सकता है, ठीक है। साइंस हमारी इस काबिल है कि वो राख को चेक करके बता सकते हैं कि ये पेपर जला था या ये लोहा जला था, ये लकड़ी जली थी, लेकिन उस राख से एक्चुअल पेपर या एक्चुअल वापस लकड़ी में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो राख बन गई तो बन गई, उसका काम पूरा हो गया, ठीक है। तो इसी नस्बत से इसको हैश कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने वो कल जो बिक्रिप्ट पढ़ा था उसको समझ लिया। अब ये ज़रा वापस आ जाते हैं हम JWT के केस में, कि JWT जो है, ये जो टोकन बनाती है, ये किस किस्म का टोकन बनाती है, इसका फ़ायदा क्या है और ये कैसे बनाती है टोकन? देखो, JWT के अंदर ना ये इनकोडिंग है असल में, ये जो है वो क्या है, ये इनकोडिंग है, दैट्स इट। अच्छा, इनकोडिंग और इनक्रिप्शन में फ़र्क होता है। इनकोडिंग और इनक्रिप्शन में ये फ़र्क होता है कि इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए चाहिए होती है की, और इनकोडिंग को डिक्रिप्ट करने के लिए की नहीं चाहिए होती, सही है। तो ये जो आपको दिख रही है ना फॉर्म, ये इनकोडेड फॉर्म है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब है कि इसको जो है खोल के इस फॉर्मेट में देखने के लिए मुझे किसी किस्म की कोई की नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको इनकोड करने का क्या रीज़न होता है, इनकोड क्यों किया जाता है? इनकोड करने का रीज़न इसका ये होता है कि एक सिंगल स्ट्रिंग में एक तो कन्वर्ट कर दिया जाए इसको, ताकि स्टोर करना आसान हो जाए,
ठीक है, ट्रांसफ़र करना इधर से उधर, एक सिंगल स्ट्रिंग होगा तो बड़े आराम से होगा। तो ये इनकोडेड फॉर्म है। अच्छा, अगर मैं इसको इनकोडेड फॉर्म में देखूं या मैं इसको डिकोडेड फॉर्म में देखूं, ये दोनों फॉर्म में वैलिड टोकन है। ये दोनों फॉर्म में क्या है? एक वैलिड टोकन है। अच्छा, अब ये हमारे केस में ये इनकोडिंग और डिकोडिंग का काम कौन करता है? वो JWT की लाइब्रेरी खुद कर लेती है, हमें नहीं करना होता वो। अच्छा, तो हम इस इनकोडेड को नहीं देखते, हम इसको देखते हैं डिकोडेड फॉर्म को, कि ये डिकोडेड फॉर्म में जो हमें दिख रहा है वो क्या चीज़ है और वो कैसे उसको बना रहा है। सबसे पहला जो, अच्छा ये देखो डॉट से डिवाइडेड है ना, ये देखो एक डॉट यहाँ लगा हुआ है, एक डॉट यहाँ लगा हुआ है, और तीनों का कलर भी चेंज आ रहा है। देखो इसका लाल आ रहा है, इसका जो है पर्पल आ रहा है, और इसका जो है वो स्काई ब्लू सा कलर आ रहा है लास्ट वाले का। ठीक है, तो ये असल में तीन पार्ट्स हैं इसके। तो पहला पार्ट इसने यहाँ डिकोडिंग में अलग दिखाया, दूसरा पार्ट अलग दिखाया है, और तीसरा पार्ट नीचे अलग दिखाया है। ठीक है, पहला पार्ट जो उसको कहते हैं हेडर, कि जी इस टोकन की टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि यार इसकी टाइप जो है ना JWT है, और अल्गोरिथम जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो HS256 इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस अल्गोरिथम को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे और बहुत सारे हैं, ये पता नहीं इतने सारे हैं, लेकिन हमने वो कोई अल्गोरिथम का नाम नहीं लिखा था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, जब यहाँ पे हम इसको जनरेट कर रहे थे टोकन को, कहाँ गया? ठीक है, ये हम जब टोकन को जनरेट कर रहे थे JWT.sign, तो हमने इसमें कोई अल्गोरिथम का नाम नहीं लिखा कि यार कौन सा अल्गोरिथम करो, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे किया है हम उसी पे उसको देख रहे हैं। तो ये इसमें बता दिया इसने, क्या इसकी टाइप वाइप क्या है। नंबर दो है पेलोड, यानी कि डेटा, ये जैसे था वैसे ही यहां पे आ गया। नंबर तीन क्या चीज है? नंबर तीन में यहां पे ना एक यहां पे ये एक हैश आ रहा है। ये क्या आ रहा है? एक अदद हैश आ रहा है। अब ये जो हैश है ना, असल में यही इसकी ऑथेंटिकेशन है। ये नीचे सही तरह दिखा नहीं रहा इसको, इसको मैं चेक लगाऊं तो पता नहीं, सही नीचे सही तरह दिखा नहीं रहा। ये जो मेरा तीसरा पार्ट है ना, वापस अगर मैं यहाँ से टोकन को कॉपी करूं, किधर गया मेरा टोकन? मेरा जो टोकन जनरेट हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो डॉट से मैं इसको सेपरेट करता हूँ अगर, ठीक है, तो ये तीन पोर्शन मैंने तीन जगह सेपरेट कर लिया डॉट से। ये जो तीसरा पार्ट है ना, असल ऑथेंटिकेशन इसी की है, और ये पार्ट क्या है? ये एक हैश है। ये हैश किस चीज़ का हैश है? गौर से समझोगे ना तो समझ आएगी ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लो अच्छे से, बाद में तंग करेगी वरना समझ नहीं आएगा। फिर इन्होंने क्या किया है, बहुत सिंपल अप्रोच है। बहुत सिंपल अप्रोच ये है कि इन्होंने पकड़ा ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी, ये ऑब्जेक्ट पकड़ा, और इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना, जो मैंने दिया था ना ये सीक्रेट को भी इसमें ऐड किया, समहाउ ऐड किया। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा कि इसी तरह ऐड किया होगा, लेकिन समहाउ इसमें ना ऐड किया इन्होंने बोला यार ये सीक्रेट ऐड हो गया इसमें। अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट जो मैंने दिया था पेलोड, और प्लस ये सीक्रेट भी इसमें ऐड हो गया। समहाउ ऐड हुआ, ये एग्जैक्टली इस तरह नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ करके इन्होंने ऐड किया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का क्या तैयार किया? हैश। इस पूरे ऑब्जेक्ट का, अब पता नहीं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हैश तैयार किया या वैसे ही हैश तैयार कर लिया, समहाउ इस ऑब्जेक्ट का हैश तैयार कर लिया। अच्छा, जो कि तैयार हुआ कौन सा वाला? ये तैयार हुआ, ये लास्ट पार्ट जो है पूरा। ठीक है, इसका जब हैश तैयार हुआ तो वो कुछ इस तरह से आया, सही है। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये वाला जो पेलोड है ना, अच्छा अब ये हैश करके इसको हेडर बना दिया, पेलोड को ये बना दिया, और तीसरा वाला हैश, ये भी तीनों चीज़ें यूज़र को भेज दी, और मेरे पास ये यहाँ पर आ गई ये तीनों चीज़ें। अब होगा ये कि ये वाला जो टोकन है मेरे पास, ये फ्रंट एंड के ऊपर आके कुकीज़ में सेव हो जाएगा, और हर अगली रिक्वेस्ट में ये जाएगा। अच्छा, अब हर अगली रिक्वेस्ट में ये जाएगा जब, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो इसमें मैंने क्रिएटेड ऑन भी लिखा हुआ है। ठीक है, इमेजिन करो कि मैं इस टोकन को 24 घंटे बाद एक्सपायर करवाता हूँ, इसको मैं 24 घंटे बाद एक्सपायर करवाता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि मुझे पता होगा ये कब क्रिएट हुआ, और ये मैंने यूज़र को भेज दिया ये वाला ऑब्जेक्ट। अब जब यूज़र मेरे पास वापस लेकर आएगा ना ये पूरा का पूरा हैश अगली दफ़ा, इमेजिन करो कि वो 24 घंटे बाद नहीं लाया, वो दो चार दिन पाँच दिन बाद लाया, तो मुझे पूरा का पूरा ऐसे करके ये क्या मिलेगा? पेलोड वापस मिलेगा सर्वर पर।
अब ये भी तो हो सकता था कि वो इसको चेंज कर दे, इस डेट को चेंज करके वापस भेज दे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन वंस अगर वो इस डेट को चेंज करके वापस भेजेगा तो क्या होगा कि वापस जब आएगा तो यही होगा तरीका कि भाई इसमें सीक्रेट डाला जाएगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वैसे ही रखेंगे, इसमें सीक्रेट डाला जाएगा लेकिन अब की बार हैश कुछ और आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीक्रेट तो मुझे पता है ना, सीक्रेट तो मुझे पता है ना कि क्या था। वो तो मैंने नहीं भेजा, सीक्रेट नहीं भेजा मैंने, मैंने सिर्फ ये हैश भेजा और पूरा का पूरा पेलोड भेजा यहाँ पे। ये सीक्रेट सिर्फ मुझे पता है। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर फॉल्स का ई हट जाए अगर यहाँ से सिर्फ, तो अब इसका हैश क्या होगा? डिफरेंट जनरेट होगा ना, बावजूद इसके कि मैंने सेम सीक्रेट रखा हुआ है लेकिन हैश डिफरेंट जनरेट होगा। ठीक है, या इमेजिन करो कि ये सीक्रेट हो ही ना इसके अंदर, ठीक है, तो अब इसका मैं हैश कैलकुलेट करूंगा तो डिफरेंट आएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब इसको जनरेट करता हूँ, अच्छा ये मैं नहीं कर रहा, ये सारा काम कौन कर रहा है? ये JWT की लाइब्रेरी कर रही है। तो JWT.sign जब मैं करता हूँ ना, तो साइन करने का मतलब क्या है? डिजिटल सिग्नेचर जो होता है हमेशा, जहाँ पे भी बात आए ना डिजिटल सिग्नेचर की, साइन करने का मतलब हमेशा ये होता है कि मैंने कोई चीज़ उसमें डाली, उसका हैश कैलकुलेट किया और वो चीज़ वापस निकाल ली और दे दिया किसी को भी। अब वो अगर उसमें कोई चेंजेस करेगा ना तो मुझे वापस मेरे पास आएगा, तो मैं वापस उसमें वो चीज़ डालूंगा, हैश कैलकुलेट करूंगा, डिफरेंट आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये डिफरेंट हो गया। डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, सबका मतलब यही होता है। एक पूरा प्लेटफॉर्म है उसको डॉक्यू साइन करके बोलते हैं, तो वो डिजिटली डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, तो इसी तरीके से करते हैं सारा। ये समझ आ गया सब लोगों को? अच्छा, तो अब JWT का जो टोकन है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑथेंटिकेशन है, वो ऑथेंटिकेशन ये है कि जैसा पेलोड मैं भेजूंगा वैसा ही पेलोड वापस मुझे मिलेगा। ठीक है, यानी ये पेलोड जैसा मैंने भेजा है ना ऐसा ही पेलोड मुझे वापस मिलेगा ये। ठीक है, अच्छा जब मेरे पास ये वापस आएगा तो मैं उसको मैनुअली चेक नहीं करूंगा, ये लाइब्रेरी के अंदर ही इसका फंक्शन मौजूद है, मैं उस फंक्शन के जरिए उसको चेक करूंगा। ठीक है, वो फंक्शन मुझे सब बता देगा कि अगर कुछ चेंज वेंज हुआ है, कुछ हुआ है, तो फौरन मुझे एरर दे देगा वो। ठीक है, तो नंबर एक मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट मुझे वैसे का वैसा ही मिलेगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरी की पूरी मैं लॉजिक बनाऊंगा। आ जाते हैं अब, ये सबको समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, ये सारे कॉमेंट्स वगैरह मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। ओहो, क्या कर रहा हूँ मैं ये। अच्छा, इसको मैंने कुकीज़ में क्यों रखवाया, ये ज़रा जब इसको फ्रंट एंड से हम करेंगे ना इंटीग्रेट, बल्कि चलो ये भी समझ लो यार, ये कुकीज़ में क्यों रखवाया है। देखो, हाँ, कुकीज़ जो है वो बिल्कुल लोकल स्टोरेज की तरह होता है। कुकीज़ जो है ब्राउज़र के अंदर, देखो ब्राउज़र में ना बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, लोकल स्टोरेज होता है, एक कुकी स्टोरेज होता है, एक सेशन स्टोरेज होता है, और भी एक दो होते हैं। आजकल एक वो भी आ गया है, वो पूरा का पूरा डेटाबेस होता है, क्या उसको बोलते हैं, वो सीक्वल डेटाबेस एक होता है, वो भी ब्राउज़र के अंदर अब आ जाता है। ठीक है, कुछ ब्राउज़र में नहीं है तो वो लाइब्रेरी के थ्रू आ जाता है, तो ब्राउज़र के अंदर ही होता है पूरा का पूरा। ठीक है, उसका मैं नाम भूल गया, SQLite। ठीक है, वेल, तो इन सब के अंदर मसला पता है क्या है? इन सब के अंदर मसला ये है कि ये सारे के सारे वल्नरेबल हैं, इवन कुकीज़ भी वल्नरेबल हैं। कैसे वल्नरेबल हैं भाई? आज से कुछ अरसे पहले तक इस टोकन को स्टोर किया जाता था लोकल स्टोरेज में, सही है। अच्छा, लोकल स्टोरेज वैसे तो सिक्योर है कहने के लिए, लेकिन आप इमेजिन करें, अच्छा सिक्योर मतलब कैसे है लोकल स्टोरेज, कि अगर मैंने एक वेबसाइट खोली ना facebook.com, facebook.com ने लोकल स्टोरेज में कुछ चीज़ें सेव करवाई हैं। अब मैंने एक दूसरी वेबसाइट खोली twitter.com, तो twitter.com का जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, ये चलो मैंने अपनी कोई बना ली, मैंने कहा sysborg.com, ये मेरी वेबसाइट है ना, मैंने ब्राउज़र पे उसको ओपन किया है, तो मेरी जो वेबसाइट है ना sysborg.com, उसको जो लोकल स्टोरेज का एक्सेस होगा वो सिर्फ मेरा ही सेव करवाया हुआ होगा, क्योंकि वो डोमेन वाइज उसको वो सेपरेट करता है। यानी मेरा जो sysborg.com है, उस वेबसाइट के ऊपर जो लिखी हुई जावा स्क्रिप्ट है ना, उस जावा स्क्रिप्ट से मैं facebook.com वाला लोकल स्टोरेज गेट नहीं कर सकता। ठीक है, या और भी जो दूसरी वेबसाइट चल रही है, तो हर वेबसाइट का अगर मैं देखो लोकल स्टोरेज में यहाँ जाऊँगा ना, राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया लोकल स्टोरेज, हम यहाँ से देखते हैं ना, एप्लीकेशन एप्लीकेशन, तो देखो ये डोमेन वाइज ना अलग अलग हुआ हुआ है, देख रहे हो, ट्विटर का यहाँ पे लोकल स्टोरेज अलग सेव हुआ हुआ है। अच्छा देखो, सेशन स्टोरेज भी उसके नीचे, सेशन स्टोरेज भी अलग अलग सेव हुआ हुआ है सबका। ठीक है, ये रहा इंडेक्स, ये रहा वेब SQL,
इसमें कुछ भी नहीं है, कुकीज़ भी हर का अलग अलग सेव हुआ हुआ है, तो ये कुकीज़ भी मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने सेव करवाया मैं उसी का ही गेट कर सकता हूँ, मैं किसी और की कुकीज़ गेट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं मतलब sysborg.com पे खड़ा होकर मैं facebook.com की कुकीज़ उठा लूँ, मैं अपनी ही उठा सकता हूँ सर, ठीक है। तो ये सारे वल्नरेबल हैं, लेकिन स्टिल अब ये वल्नरेबल क्यों है, ये वल्नरेबल इस वजह से हैं कि देखो मैंने एग्जियोस या कोई भी इस तरह की लाइब्रेरी अपने पास ऐड की। अभी मैं एग्जियोस कैसे ऐड करता था, आ जाओ मेरे ज़रा फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। ये मैंने एग्जियोस ऐड किया ना इस तरह करके। अब ये एग्जियोस जो मुझे मिल रहा है, जो ये मुझे मिल रहा है एक CDN नेटवर्क के थ्रू, ये CDN कर JS डिलीवर करके ना कोई बंदे हैं, कोई कंपनी है, उन्होंने सर्वर लगाया हुआ है। वो बोलते हैं यार जितनी भी लाइब्रेरी हम सब अपने पास रखते हैं आप हमसे लिया करो, वो मैंने लगा दिया। तो ये CDN का जो नेटवर्क है इसके थ्रू मुझे ये JavaScript डिलीवर हो रही है ना, या वो NPM होगा कोई, NPM से या तो मैं इंस्टॉल करूँगा, या तो मैं CDN के नेटवर्क से इंस्टॉल करूँगा, या तो मैं GitHub से उस रिपॉजिटरी से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लूँगा। लेकिन इन तमाम केसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि मैं CDN से इंस्टॉल करूँ एग्जियोस, एग्जियोस तो इंस्टॉल हो जाए लेकिन उसमें दो लाइन की एक्स्ट्रा JavaScript भी आ जाए, और वो दो लाइन की जो एक्स्ट्रा JavaScript है ना वो क्या करे, वो मेरे लोकल स्टोरेज सारे उठाए और एक दूसरे सर्वर पर भेज दे उठा के, यानी मेरे लोकल स्टोरेज चोरी कर ले सारे। ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, सही है। तो इस पॉसिबिलिटी के चलते अब लोकल स्टोरेज को सिक्योर कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, समझ आ रही है क्या पॉसिबिलिटी है ये। मिसाल के तौर पे NPM हैक हो गया समहाउ, ये NPM, देखो NPM तो असल में वैसे तो पैकेज मैनेजर है, लेकिन NPM में मेरे और आपके जैसे लोग ही हैं ना जो लाइब्रेरी पब्लिश कर रहे हैं, तो मेरा जो NPM का अकाउंट था वो हैक कर लिया किसी ने समहाउ, और उसने मेरी लाइब्रेरी में अपडेट डाली या कुछ इस तरह का किया और वो चेंज कर दिया। या ये CDN नेटवर्क जो है ये सिंपल सर्वर्स हैं जो कहीं लगे हुए हैं किसी जगह पे, और ये सर्वर खुद तो कुछ लाइब्रेरी नहीं बनाते लेकिन तमाम जगहों से लाइब्रेरी को समेट के ना इकट्ठा करके एक जगह जमा कर देते हैं। अब किसी ने अगर इस सर्वर को हैक कर लिया और वहाँ पे एग्जियोस का जो कोड था, देखो एग्जियोस का जो कोड है उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, ये एग्जियोस का पूरा कोड आ गया मेरे पास। अब जहाँ पे ये कोड ख़त्म हो रहा है या इसके दरमियान में, ठीक है, इधर एक फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ है और दूसरा फंक्शन ऐसे शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे दरमियान में मैं एक छोटा सा फॉर लूप लगा दूँ अगर, जो तमाम लोकल स्टोरेज को उठाए और एक फायरबेस के डेटाबेस में मार दे कहीं भी आगे पीछे कर दे, तो पता थोड़ी चलेगा। तो इस पॉसिबिलिटी के चलते अब लोकल स्टोरेज को, सेशन स्टोरेज को और कुकी स्टोरेज को, या ये जितने भी लाइन से बने हुए हैं यहाँ पे, इन सब में से किसी को भी क्या किया जाता है, सिक्योर कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, फिर इस पॉसिबिलिटी के चलते ना एक कुकीज़ का एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसको बोला जाता है HTTP ओनली कुकीज़। अच्छा, HTTP ओनली कुकीज़ में और जो नॉर्मल कुकीज़ हैं उनमें फ़र्क ये है कि नॉर्मल कुकीज़ को मैं अपने JavaScript के कोड के ज़रिए गेट कर सकता हूँ, अपने JavaScript के कोड के ज़रिए, लोकल स्टोरेज में भी यही है, मैं अपने JavaScript के कोड के ज़रिए गेट कर सकता हूँ। HTTP ओनली कुकी पे जब मैं सेव कराता हूँ तो उसको मैं अपने कोड के ज़रिए भी गेट नहीं कर सकता, ठीक है। HTTP ओनली कुकी के ज़रिए जब मैं कोई भी चीज़ सेव कराता हूँ तो उसको मैं अपने कोड के ज़रिए भी वापस गेट नहीं कर सकता, लिहाजा सर्वर से जब मैं रख के भेजूंगा ना इसको HTTP ओनली कुकी में, तो मेरे फ्रंट एंड के ऊपर इस कोड को, जो टोकन है जो ये वाला, इसको रीड नहीं किया जा सकता, मेरे फ्रंट एंड को पता नहीं चलेगा, यानी कोड की बात कर रहा हूँ JavaScript के अंदर, मेरे फ्रंट एंड की JavaScript को ये पता नहीं चलेगा कि इस टोकन में क्या है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना कि जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है उसका टोकन मैं प्रिंट कराऊँ कंसोल पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये होगा कि अगर एग्जियोस या इस तरह की कोई लाइब्रेरी मैं लगाता हूँ और वो लाइब्रेरी अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गई है और वो मेरे लोकल स्टोरेज को सबको उठा लेती है लेकिन मेरे कुकीज़ को भी उठा सकती है, HTTP ओनली कुकीज़ को वो एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मैं उसको खुद ही एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, फिर वो होता कैसे, फिर वो होता ऐसे है कि मैं जब रिक्वेस्ट करता हूँ ना फ्रंट एंड से, देखो एक तो लॉगिन की रिक्वेस्ट मैंने कर दी, लॉगिन का रिस्पांस आ गया, मेरा टोकन HTTP ओनली कुकीज़ में सेव हो गया। अब अगली रिक्वेस्ट में मैंने साथ में भेजना भी तो है ना उस टोकन को,
जब मैं अगली रिक्वेस्ट करूंगा तो उसी टोकन को मैं साथ में रख के भेजूंगा ना सर्वर पे, जब ही तो वो सर्वर को समझ में आएगा कि ये बंदा लॉगिन है, तो वो मैं कैसे भेजूंगा? उसका आसान सा तरीका ये है कि जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना, जैसे एक्सियोस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं या फेच से कर रहा हूं, तो उसमें मैं एक ऑप्शन लगा के भेजूंगा क्रेडेंशियल्स ट्रू, ठीक है, कि जो भी क्रेडेंशियल सेव हैं HTTP ओनली कुकी में उसको साथ लेके जाना। मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कौन से क्रेडेंशियल हैं, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट निकलने लगेगी ना ब्राउज़र से बाहर, तो ब्राउज़र उस रिक्वेस्ट के अंदर वो क्रेडेंशियल डाल के आगे भेजेगा, ठीक है, एज इट इज़ डालेगा जैसे आई थी वो, जैसे मैंने रखवाया है ना यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जैक्टली जैसे ही मैंने रखवाया है रिस्पॉन्स डॉट कुकीज टोकन और इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे करके ही ऑब्जेक्ट, जैसे ही आई एग्जैक्टली ऐसे ही करके वो वापस भेजेगा। नहीं, स्टोर तो वो है ब्राउज़र में ही। देखो, एज अ यूज़र अगर मैं देखना चाहूँ ना तो मैं देख भी सकता हूँ। देखो, JWT की यहाँ पे कुकीज़ है ना, है ना, JWT ने कुछ कुकीज़ रखवाई हुई है यहाँ पे, तो देखो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसको, एज अ यूज़र मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट के कोड में ये रीडेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्लिक करूँगा ना मैं, तो ये देखो कुकीज़ आ रही हैं, साइट डेटा एंड कुकीज़। अच्छा, अभी तो पता नहीं है कौन सी कुकी है, इसमें कोई शायद डेटा है ही नहीं, लेकिन जब वो HTTP वाली कुकीज़ है ना, वो यहाँ पे दिख रही होती हैं, एज अ यूज़र तो मुझे दिख रही होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट के कोड में वो रीडेबल नहीं होती सिक्योरिटी के मद्देनज़र। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास केस। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमें दो सिक्योरिटी मिल गई। नंबर एक सिक्योरिटी ये मिल गई कि यार ये कभी भी क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट जैसे मैंने भेजा है वैसा ही मिलेगा, अगर चेंज हुआ तो वो एरर कर देगा, यानी वो सिग्नेचर फेल हो जाएगा मेरा। अच्छा, और दूसरी सिक्योरिटी क्या चीज़ मुझे मिल गई कि ये जो टोकन मैं भेज रहा हूँ, ये टोकन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा फ्रंट एंड पे, होपफुली, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उस वाले पे। अच्छा, मैं ये ज़रा गौर कर लूँ इस पे कि मुझे क्रिएटेड ऑन के अलावा और इज़ एडमिन के अलावा कोई और चीज़ तो नहीं रखवानी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़े अच्छे से समझ लो यार, ये कुकीज़ के अंदर ना एक और बेनिफिट भी होता है कि मैं कुकीज़ में ना यहीं पर रख के भेज सकता हूँ कि ये एक्सपायर कब हो, एक्सपायरी डेट इसकी यहीं से भेज सकता हूँ। अच्छा, इस एक्सपायरी डेट का फ़ायदा क्या होता है, ये HTTPS में भी पॉसिबल है और नॉर्मल कुकीज़ में भी ये पॉसिबल है, दोनों में ये पॉसिबल है। मैं यहाँ से जब एक्सपायरी डेट लगा के भेजूँगा ना इसकी, तो वो एक्सपायरी डेट मिसाल के तौर पे अभी जो टाइम हो रहा है उससे मैंने 24 घंटे प्लस का जो भी टाइम बनता था वो लगा के भेज दिया, तो 24 घंटे बाद ये कुकी ब्राउज़र से ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगी, सही है। ब्राउज़र इसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, 24 घंटे बाद डिलीट कर देगा। तो 24 घंटे बाद अगर कोई रिक्वेस्ट हुई ना ब्राउज़र से और उसमें इवन क्रेडेंशियल ट्रू भी लगा के भेजा गया, तो क्योंकि ब्राउज़र में वो कुकी होगी नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, लिहाजा जब मेरे पास सर्वर पे वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो उसमें वो कुकी मौजूद ही नहीं होगी, सही है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, बट दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक्सपायरी लगा के भेज भी देता हूँ इवन, तो उस एक्सपायरी को फ्रंट एंड के ऊपर चेंज किया जा सकता है यूज़र के साइड से, कोड के ज़रिए तो चेंज नहीं होगा वो, लेकिन एज अ यूज़र मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। इवन आजकल कुछ ऐसे एक्सटेंशंस आ गए हैं गूगल क्रोम के, जिसके ज़रिए मैं कुकीज़ को ना बाकायदा चेंज कर सकता हूँ पूरा। अभी बीच में बच्चे नेटफ्लिक्स का अकाउंट बेच रहे थे, तो जब उनसे अकाउंट ख़रीदो ना, तो वो कहते थे सर ये लें कुकी लगा दें इसको। अबे मैंने कहा कुकी कैसे लगा दें, कह रहे सर वो फला एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड करें, कुकी एडिटर पता नहीं क्या, और उससे आप ये कुकी लगा दें तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो चलेगा कब तक चलेगा, जब तक वो कुकी एक्सपायर नहीं हो जाती, मतलब एक लॉगिन होता है तो सामने से एक वो आती है ना, सामने से एक टोकन आता है कुकीज़ में, तो वो एक सर्टन टाइम के लिए होगा। अच्छा, नेटफ्लिक्स वगैरह जैसा जो एक पोर्टल होता है या फेसबुक जैसे जो पोर्टल्स हैं, इसमें ज़रा जो टोकन देते हैं ना वो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम देते हैं, उसमें 30 दिन का टोकन देते हैं। क्योंकि फेसबुक अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सपायर नहीं होता, वो चलता रहता है, ठीक है, तो वो मतलब ज़रा लंबा टाइम का टोकन देते हैं, तो बस जब तक वो टोकन वैलिड है जब तक चलेगा वो, जब वो टोकन एक्सपायर हो गया तो ख़त्म, फिर नया टोकन मिलेगा आपको। तो बच्चे ना 300 में खूब बच्चों ने अकाउंट बेचे हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करते, उन्होंने कुछ पीछे सेटिंग की है कि ना वो शायद कोई दूसरी चीज़ भी देखते हैं, शायद IP को मैप करते हैं वो, कि यार ये टोकन मैंने फला IP के लिए जनरेट किया तो दूसरी IP पे काम नहीं करता, इस तरह की कोई कहानी उन्होंने कर दी है पीछे, तो अब वो वाला तरीका ना काम नहीं करता। सर्वर में नहीं, फ्रंट एंड में सेव होता है। ये बड़ा अच्छा इसने सवाल पूछा है। हाँ भाई,
दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि ये जो टोकन मैं बना रहा हूँ इसको मैंने सर्वर पे सेव तो किया ही नहीं है, तो ये टोकन वेरीफाई कैसे करूँगा मैं बाद में उसको, जब मैंने सेव ही नहीं किया इस टोकन को तो मैं वेरीफाई करूँगा कैसे इसको। अभी वेरीफाई करते हैं तो ये बात डिस्कस करते हैं मज़ीद हम, सही है वेरीफाई करते हैं ना ये बात डिस्कस करते हैं सही है। अच्छा खैर मैं ये बता रहा था कि ये रिस्पॉन्स डॉट कुकी में ना, रिस्पॉन्स डॉट कुकी में इसको मैं सेव करवाते हुए, यानी कुकीज़ का ये फीचर है कि इसमें मैं एक्सपायरी डेट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे केस में मुझे एक्सपायरी डेट में डालूँ या ना डालूँ मेरे लिए एक ही बात है, एक्सपायरी डेट में डालूँ या ना डालूँ मेरे लिए एक ही बात है, क्योंकि मैं सर्वर, ये जो एक्सपायरी है ना इसकी, वो मैं अपने सर्वर पर इसको हैंडल करूँगा, क्योंकि क्रिएटेड ऑन मैंने रखा हुआ है कुकीज़ में, और क्रिएटेड ऑन चेंज हो नहीं सकता, किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। तो जब भी मेरे पास टोकन आएगा तो मैं इस क्रिएटेड ऑन के ज़रिए क्या करूँगा, चेक करूँगा कि ये कितनी पुरानी कुकी है, और मैं उस बेस पे बोलूँगा कि यार ये कुकी सही नहीं है, एक्सपायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी वैसे मैं डाल देता हूँ एक्सपायर्स, लेकिन जो है ना, अच्छा एक्सपायर्स इसको कौन से फॉर्मेट में देना होता है ज़रा वो मैं देख लूँ, एक्सपायर्स का जो फॉर्मेट है वो क्या है, डेट है, ठीक है। एक्सपायरी डेट टू कुकीज़ इन द GMT एंड नॉट स्पेसिफिक, जीरो क्रिएट्स अ सेशन कुकी, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि अगर ज़ीरो कर दूँ ना इसको मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेशन कुकी बन जाएगा। सेशन कुकी का क्या मतलब है, जैसे मैंने बताया ना एक लोकल स्टोरेज होता है, एक सेशन स्टोरेज, तो सेशन स्टोरेज का चक्कर ये है कि जब तक विंडो खुली भी है ना ये, जब तक ही चलेगा, जब ब्राउज़र का टैब जैसे ही मैंने बंद किया वो एक्सपायर, ख़त्म। तो अगर एक्सपायर्स में मैं ज़ीरो लगा दूँ यहाँ पर, तो कह रहा है ये बन जाएगा सेशन कुकी। बैंक्स वगैरह की ऐप में अक्सर इस तरह से होता है कि जब तक वो विंडो खुली रहती है ना, जब तक ही वो चलता है, जैसे ही विंडो बंद तो ख़त्म, आप दोबारा विंडो खोलेंगे तो वो दोबारा लॉगिन करने बोलता है। तो उसमें शायद ये क्या होगा, ये बेनिफिशियल रहेगा कि जी एक्सपायर्स आप ज़ीरो कर दें, लेकिन स्टिल ये एक्सपायर ज़ीरो करने से ऐसा नहीं है कि वो आप सिक्योरिटी फीचर नहीं है ये। आप इमेजिन करें कि विंडो खुली भी है, लॉगिन हुआ, और लॉगिन होते ही वो कुकी एज अ यूज़र तो मुझे दिख रही है ना, तो मैंने वो एक्सटेंशन के थ्रू या किसी के थ्रू वो कुकीज़ निकाल के साइड पर कर दिया, सेव कर दिया, तो बस। तो ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये जस्ट कन्वीनियंस के लिए है, आप समझ लें, ये यूज़र एक्सपीरियंस का फीचर है, ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है। हाँ सही है जी। अच्छा ये हो गया, और इसमें मैं डेट भी डाल सकता हूँ, मैंने कहा कि जी न्यू डेट, ठीक है, डॉट गेट टाइम, सही है। ये मैंने क्या कर दिया, मिली सेकेंड में, बल्कि इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ना, यहाँ पे एक तैयार कर लेता हूँ मैं अच्छी सी डेट। मैंने कहा जी कॉन्स्ट डेट आफ्टर 24 आवर, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेट आफ्टर 24 आवर, क्या डेट होगी। तो आफ्टर 24 आवर का मतलब क्या है कि मिली सेकेंड्स में जो भी होता है, तो मैंने कहा 24 आवर और मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये मिनट हो गए, मल्टीप्लाई बाई 60 तो ये सेकंड हो गए, और मल्टीप्लाई बाई 1000 तो ये मिली सेकंड हो गए। तो ये मिली सेकंड्स में क्या कर दिया मैंने, एक इतने मिली सेकंड्स होंगे 24 आवर में, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई अभी का टाइम गेट करो, और उसमें क्या करो, प्लस करो इतना माल। ये अभी का टाइम मैंने गेट किया मिली सेकंड में, उसके बाद मैंने इसमें चंद हज़ार मिली सेकेंड ऐड किए, जो कि 24 आवर का टाइम बनता है, और ये दोनों को करके मैंने लगा लिया कि यार ये जो है ना, अभी से 24 आवर के बाद का टाइम बनता है, ठीक है। और इसको इन मिली सेकेंड भी कह देता हूँ मैं, इन मिली सेकेंड, सही है, ये मिली सेकेंड में हो गया मेरा काम। इसको ये क्या हुआ, एरर दिया इसने, अच्छा एरर इस जगह पे दे रहा है, एक्चुअली ठीक है। इसको ज़रा मैं और ऊपर ले जाता हूँ, ताकि इसको मैं अपने ना पेलोड में भी रख दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटेड ऑन है ना, साथ में एक्सपायर्स भी लगा दूँ इसमें मैं, ठीक है, एक्सपायर्स भी लगा दिया मैंने, ताकि जब ये वापस मेरे पास आया ना टोकन, तो मुझे ये कैलकुलेशन ये वाली दोबारा ना करनी पड़े, जो यहाँ से मैंने करके भेजी है, दैट्स इट, वही वाला चले उसके ऊपर ना, ठीक है। अच्छा एक्सपायर्स वैसे इसमें हम कोशिश करते हैं हम ना रखें, उसका रीज़न ये है, एक्सपायर्स हम इसलिए ना रखें क्योंकि हम यूज़र को ना ये बताना नहीं चाहते कि हम कितने दिन में टोकन को एक्सपायर कर रहे हैं या कितने घंटे बाद एक्सपायर कर रहे हैं। अच्छा वो क्या होता है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अच्छा
क्यों, उसका क्या रीज़न है, कैसे वल्नरेबिलिटी हो सकती है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो इसका एक्सपायरी सेट करते हैं ना, वो डायनेमिक सेट करते हैं, थोड़ा सा डायनेमिक रखते हैं, ठीक है? तो मतलब इस हिसाब से करते हैं कि यार कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जिनको हम ज़रा लंबा एक्सपायरी टाइम दे देते हैं, कुछ यूज़र को ज़रा शॉर्ट एक्सपायरी टाइम दे देते हैं हम, तो इस तरह से हम कर रहे होते हैं सम टाइम ना। लेकिन अब वो ज़रा डिटेल है, वो लंबी डिटेल है, उसमें हम नहीं जाते फिलहाल के लिए। लेकिन इस तरह का अगर कोई काम करते हैं हम, तो हम फिर एक्सपायरी यहाँ पे हम टोकन में सेट नहीं करवाते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपायरी रखवा रहा हूँ, ताकि जब ये टोकन वापस आए ना मेरे पास, तो 24 आवर के बाद वाला ये एक्सपायरी मेरे पास मौजूद हो। और यही वाला एक्सपायरी मैं यहाँ पे भी रखवा देता हूँ, लेकिन इस जगह पे मुझे क्या देनी है, डेट देनी है। तो इसको मुझे ना डेट में वापस कन्वर्ट करना होगा। सही है, डेट में वापस मैंने इसको कन्वर्ट किया और डेट दे के मैंने एक्सपायरी यहाँ पे सेट कराई है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारा जो है ना लॉगिन की जो API थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आके ज़रा एक दफ़ा और हिट करते हैं इसको। अभी एक्सपायरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा ना, एक्सपायरी यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा। आ जाओ अभी ज़रा हिट करते हैं, देखो अब एक्सपायरी शो हो रहा है 10 अगस्त और ये 15:52। सही है, 10 अगस्त। अच्छा, 15:52 क्या है, ये GMT है, तो हम GMT +5 में हैं, तो +5 को माइनस करके बता रहे हैं। जब मैं वापस इसको अपने टाइम में कन्वर्ट करूँगा तो ये वही बनेगा जो अभी मेरा टाइम हो रहा है, ठीक है? यानी कि 10 अगस्त ये बनेगा 8:52 बनेगा। इसमें तो ये 15:52 बता रहा है ना, ये 5 घंटा पीछे बता रहा है, क्योंकि ये GMT 0 पे चल रहा है, ये +5 पे नहीं है। जब मैं इसको जिस सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट मारूंगा ना, उस सिस्टम का जो टाइम जोन होगा उसके हिसाब से ये खुद ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो ये इन्होंने ऐसे सोच समझ के बनाया है कि टाइम जोन का इशू है ही नहीं कोई। कुछ लोगों को बड़ा मसला लगता है कि यार टाइम जोन, अगर मल्टी टाइम जोन है उसको हैंडल हम कैसे करेंगे? तो ये टाइम का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना जावास्क्रिप्ट में, नहीं इन जनरल तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ये जो मिली सेकंड वाला जो चक्कर है, मिली सेकंड की वजह से ना ये सारे मसले हल हो चुके हैं, ठीक है? कोई ये वाला मसला बचा हुआ नहीं है हमारे पास। और मिली सेकंड हमेशा बनता है GMT 0 के ऊपर, ठीक है? +5 पे फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरा जी लॉगिन कंप्लीट हो गया। अब मैं वापस आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अपना वो बनाता हूँ, जो चेक है ना मेरे पास यहाँ पे, वो बना लेता हूँ मैं। ये मेरा टोकन का चेक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये ऑथ राउट तो दोनों हिट हो गए, लॉगिन भी हो गया, साइनअप भी हो गया, सब हो गया। अब मैंने हिट करना है इस वाले राउट। तो इस वाले राउट को हिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले से गुजर के आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर वो तमाम की तमाम कुकीज़ मिलेंगी जो यूज़र मुझे भेज रहा है फ्रंट एंड से, ठीक है? अच्छा, अभी तक मेरा फ्रंट एंड से कोई कुकी मैंने नहीं भेजी थी, लेकिन अब मेरे पास कुकी आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है? वो जब मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं लिखूँगा क्रेडेंशियल ट्रू, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी कुकीज़ होंगी ना वो सब उठा के लाएगा साथ साथ। तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में मिलेगा। अच्छा, उसके लिए मुझे कुकी पार्सर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं ऊपर बॉडी पार्सर लगाता था ना, ये जैसे मैंने बॉडी पार्सर लगाया था, इस तरह मैं कुकी पार्सर का भी इस्तेमाल करूँगा। आ जाओ ज़रा, एक्सप्रेस कुकी पार्सर, ठीक है? ये कुकी पार्सर मिडलवेयर आ गया मेरे पास, npm install कुकी पार्सर। कुकी पार्सर इंस्टॉल कर दिया मैंने और दोबारा से इसको मैंने रन कर दिया। कुकी पार्सर को चलाएंगे कैसे, ऐसे करके रिक्वायर करेंगे इसको, यहाँ पे ये रिक्वायर हो गया। अच्छा, हम रिक्वायर नहीं करते, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सही है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अगला काम क्या करेंगे हम, ये मिडलवेयर फंक्शन है असल में ना, कुकी पार्सर क्या है, ये मिडलवेयर फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे जैसे ये बॉडी पार्सर को करता था ना, ऐसे मैं क्या कर दूंगा, कुकी पार्सर को ऐसे करके मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये मिडलवेयर फंक्शन है पूरा। तो ये ऑटोमेटिकली मेरी कुकीज़ को क्या कर देगा, पार्स कर देगा। और अब मुझे रिक्वेस्ट डॉट कुकी जब मैं हिट करूँगा तो मुझे वो तमाम का तमाम वो ऑब्जेक्ट पूरा मिलेगा। मैं इसको कॉन्सोल डॉट लॉग लगाता हूँ और कुकी पार्सर से जो मुझे कुकीज़ मिली है ना उनको मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। सही है, देखते हैं मुझे यहाँ पे कुकीज़ मिलना शुरू हो गई है या नहीं हो गई है। अच्छा,
अब मैं पोस्ट्स वाली एपीआई को हिट करूंगा, है ना, क्रिएट अ पोस्ट, अच्छा मुझे यहाँ से अब भेजना है, मैं ज़रा भूल गया हूँ कि हम इससे कैसे भेजते थे, पोस्ट पैन से हम कुकीज़ को कैसे भेजते थे, यहाँ से कोई एक ऑप्शन होता है इसको हम ट्रू करते हैं ना, जो क्योंकि फ्रंट एंड से भी जब एक्सियोस से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडेंशियल ट्रू का एक ऑप्शन भेजते हैं, यूआरएल भेजते हैं, बॉडी भेजते हैं, साथ में ऑप्शन भेजते हैं क्रेडेंशियल ट्रू, तो यहाँ पर भी ना क्रेडेंशियल ट्रू करके एक ऑप्शन होता है, ज़रा एक चेक कर लेते हैं गूगल पे जल्दी से उसका। विथ क्रेडेंशियल ट्रू विथ सिंपली यू कैन ऐड सिंपली रिक्वेस्ट हेडर, अच्छा रिक्वेस्ट हेडर के अंदर मुझे क्रेडेंशियल ट्रू लिखना होगा इसमें, पोस्टमैन में अगर मैं हूँ तो ठीक है। तो ये मेरा जी वो रिक्वेस्ट का हेडर आ गया, ये मैं कौन सी एपीआई हिट कर रहा हूँ, क्रिएट अ पोस्ट, ये वाली एपीआई हिट कर रहा हूँ मैं, और इसमें मैं हेडर्स में गया और हेडर्स में ये कह रहा है कि यार क्रेडेंशियल ट्रू आप लगा दो यहाँ, जस्ट क्रेडेंशियल्स और ट्रू, अब देखते हैं कि ये क्रेडेंशियल ट्रू की वजह को करके लेके जाता है वहाँ पे या नहीं लेके जाता। ये मैंने हिट किया, पोस्ट क्रिएटेड तो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। हाँ देखो ये मेरे पास ना कुकीज़ में वो सेम टोकन यहाँ पे प्रिंट हो गया आगे जो मुझे वहाँ पे मिला था, हालांकि मैंने इस वाली रिक्वेस्ट में टोकन को इंक्लूड नहीं किया, मैंने जस्ट क्या लगाया है कि जी वो अपना ये कर दो, मैंने जस्ट यहाँ पे ये बोला है हेडर में कि भाई आप टोकन लेके जाना साथ, क्रेडेंशियल्स ट्रू। एक्सियोस से भी जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रंट एंड से तो मैं इसी तरह से लिखूंगा, तो एक्सियोस भी लेकर आएगा। अच्छा ये हो गया जी, मेरी पोस्ट क्रिएट होना शुरू हो गई यहाँ पे और यहाँ पे कुकीज़ आ गई। अच्छा लेकिन अब मैं कुकीज़ को क्या करना है, मैंने वेरीफाई करना है कि जी ये सही वाला टोकन है कि नहीं है मेरे पास, अगर गलत टोकन है तो मैं यहाँ से इसको मना भी करूँगा। अच्छा मैं बोलूँगा कि यार क्या किया मैंने, ये मैंने कहा टोकन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, सही है, इसी नाम से मुझे मिल रहा था ना ये कुकीज़ के अंदर, तो मैंने इस नाम से टोकन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया पूरी कुकीज़ में से। अब इस टोकन को मैंने करना है वेरीफाई, तो मैं आ जाता हूँ इस लाइब्रेरी पे जो मेरा ये लाइब्रेरी आ गई मेरी ना, सिग्नेचर तो साइन तो मैंने ऐसे कर दिया, अब वेरीफाई का भी इसके अंदर कोई ना कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर। ये रहा वेरीफाई, जे डब्ल्यू टी डॉट वेरीफाई। अच्छा ये जो मैं आपको जे डब्ल्यू टी की लाइब्रेरी बता रहा हूँ ना, ये ज़रा बेस सरफेस लेवल की बता रहा हूँ। देखो इसमें ना साइन करते हुए देखो कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं सीक्रेट देने के साथ साथ ना यहीं पे इसको एक्सपायर भी बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एक्सपायरी दे देता हूँ तो क्या होता है, वो उसको मुझे अलग से देना नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह की और भी कुछ चीज़ें जो इसमें आप पास कर सकते हैं, तो वो ज़रा आप खुद से देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं ज़रा सरफेस लेवल का डेटा दे रहा हूँ ताकि डाइजेस्ट करना आपके लिए ज़रा उसको आसान हो। अच्छा वेरीफाई के अंदर बहुत आसान है, टोकन दूंगा मैं सबसे पहला जो मुझे यूज़र से मिला है अभी, और मेरा जो सीक्रेट था मैं वो दे दूंगा, सीक्रेट मेरा मैंने छुपा के रखा है वो मैं इसको दूंगा। तो ये मुझे जवाब में क्या बता देगा, जवाब में मुझे ये जो है ना या तो ट्रू या तो फॉल्स बता देगा, ठीक है। ये देखो ये कोडिंग एग्जाम्पल आ गई, ये कोडिंग एग्जाम्पल आ गई मेरे पास, और मैंने कहा कि जी ये आप ना ऐसे कर दो, इसमें वो एसिंक वाला नहीं ऑप्शन, देखो इसमें ना इसने मल्टीपल ऑप्शंस बताए हैं मुझे। एक तो मुझे देखो ऑप्शन ये बता दिया कि आप JWT.verify करोगे ना तो आपको डिकोडेड डेटा पूरा का पूरा ये दे देगा, यानी पूरा का पूरा पेलोड दे देगा जो उस टोकन में मौजूद था, ठीक है। अच्छा ये उस सूरत में देगा जब सब कुछ ओके है, अगर तो कोई गड़बड़ हुई ना इसमें तो ये एरर दे देगा, फिर ये डिकोडेड डेटा में कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये ज़रा सिमेट्रिक तरीका है,
कि जी जो पुराना होता था हमारे पास कॉल बैक फंक्शन वाला, कि जी आप JWT.verify बोलोगे, टोकन बोलोगे और सीक्रेट बोलोगे, साथ में आप एक फंक्शन दोगे, फंक्शन में एरर मिलेगा या तो डिकोडेड मिलेगा, तो यहाँ पे चेक कर लोगे इफ़ एरर या इफ़ डिकोडेड, ऐसे करके भी एक ही बात है ये। तीसरा ट्राई कैच वाला भी बता रहा है, कह रहा है यार आप JWT.verify करो और उसको ट्राई कैच में डालो, तो या तो डिकोडेड मिल जाएगा, अगर इसमें एरर आया तो ये सीधा कैच में गिरेगा जाके, ये भी। तो मेरा ख्याल है ये वाला हमारे लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे केस में, क्योंकि हम ज़रा ट्राई कैच वाले तरीके से ही चल रहे हैं शुरू से। तो मैंने उसको बोला ऐसे करके कि यार ट्राई कॉन्स्ट डिकोडेड डेटा इक्वल्स टू JWT.verify। अच्छा, JWT.verify के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे JWT को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे इम्पोर्ट किया था मैंने, इसको मैंने ऐसे इम्पोर्ट किया था ना, तो मुझे इसमें भी इम्पोर्ट करना होगा इसको, ठीक है, इसमें भी इम्पोर्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है, JWT को यहाँ भी इम्पोर्ट कर लिया। तो जब भी मुझे ये मिलेगा JWT.verify, अदरवाइज मुझे ये मिलेगा ही नहीं। टोकन दे दिया इसको मैंने, जो यहाँ मेरे पास टोकन पड़ा हुआ था, टोकन भी कॉन्स्ट में होगा क्योंकि टोकन भी चेंज नहीं होगा बाद में, ठीक है। और उसके बाद मैंने सीक्रेट दे दिया, सीक्रेट मैं कहाँ से दूंगा, process.env.secret, ये मैंने दे दिया। अब या तो मुझे डिकोडेड के अंदर पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अगर ये टोकन का सिग्नेचर फेल हो गया अगर, तो ये सीधा एरर में आके गिरेगा। अगर तो ये कैच में आके गिरता है तो मैं इसको बोलूँगा ये वाली बात, स्टेटस 401 इनवैलिड टोकन, सही है। अच्छा, ये इफ एल्स को मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट भी कॉल करना है ना, किसी केस में मैंने नेक्स्ट भी कॉल करना है। अब यहाँ पे मुझे डिकोडेड डेटा तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे मैं इमीडिएटली नेक्स्ट कॉल नहीं करूँगा, बल्कि मैं चेक करूँगा कि इस डिकोडेड डेटा के अंदर क्या क्या चेक करूँगा मैं। ये डिकोडेड डेटा को ज़रा मैं कंसोल कराता हूँ फिलहाल के लिए। यार ये पता नहीं किसकी कॉल आ रही है मेरे पे बार बार। तो ये डिकोडेड डेटा में मुझे जो भी कुछ मिला है ना, उसको मैंने कंसोल करा लिया। अच्छा, इस डिकोडेड डेटा में मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा पेलोड मिलेगा मुझे। कहाँ गया वो पेलोड मेरा, जो यहाँ से मैंने भेजा था ना पेलोड, एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ पूरी की पूरी मिलेगी, सही है। और इस बेस पे मैं क्या करूँगा, हेलो हेलो वंशराम जी, जी जी, तो ये आप ही मुझे कॉल कर रहे थे, एक घंटे पहले भी आपने कॉल की थी। अच्छा, मैं आपको 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ, सही है, फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा यार, तो इस डिकोडेड डेटा के अंदर अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे आया कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैंने अभी फ़ौरन यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर दिया, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और मैं चेक करूँगा कि ये टोकन में जो मैंने एक्सपायरी और क्रिएटेड ऑन और वो जो सारी चीज़ें सेट की हैं, आया कि वही वाली चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। मैंने हिट किया जी इसको पोस्ट क्रिएट करने वाले को, तो यहाँ पे मेरे पास अब देखो क्या आ गया आपकी बार, देखो डिकोडेड डेटा में ये पूरी चीज़ आ गई, एडमिन फॉल्स आ गया, ईमेल आ गई इस बंदे की, क्रिएटेड ऑन आ गया और एक्सपायर्स आ गया, ठीक है। अच्छा, IAT जो है ना, ये खुद से ऐड करता है, ठीक है। ये IAT जो है ना, इनिशिएटेड ऐड होता है, ये भी मतलब वही है जो क्रिएटेड ऑन वाली चीज़ है ये ना। एक मिनट यार, IAT का स्टैंड्स फॉर IAT इन JWT लिखूंगा ना मैं, ये आ जाएगा इशू टाइम है कि ये टोकन कितने बजे इशू हुआ है ना, ये वो वाली बात है। तो अगर मैं क्रिएटेड ऑन खुद से ना भी रखूं तो ये IAT मुझे मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है ना, जो क्रिएट करते हुए, कि यार आप एक्सपायरी इसको यहीं पे दे दो। कहाँ चला गया वो, अभी तो देखा था हमने यहाँ। ये आ गया ना, एक्सपायर्स इन, ठीक है। और इवन बेटर करके कह रहा है कि ऐसे करके दे दो आप,
यानी इसमें एक्सपायर्स इन में ना 1 hour 1 h करके लिखूंगा तो ये समझता है, यानी जरा स्मार्ट है ये, सही है। तो कह रहा है कि यहाँ पे हमने कैसे करके दिया है इसको, सेकंड्स में दिया है ये, 60 × 60, हाँ ये सेकंड्स में करके दिया है इसने, और यहाँ पे इसने लिखा है कि यार ऐसे करके दे दो आप। तो अगर मैं हाँ अगर इशू करते हुए मैं ऐसे दे देता हूँ ना इसको 1 hour, तो क्या होगा कि फिर वो मुझे यहाँ पे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये डायरेक्ट अगर मैंने इसको वेरीफाई मारा ना और अगर इसका टाइम पूरा हो चुका हुआ तो ये डिकोडेड डेटा देने के बजाय डायरेक्ट कैच में गिरेगा जाके। तो मैं यहाँ पे इस तरह करके दे देता हूँ, इसको कॉमा दिया मैंने, और कॉमा देने के बाद ये कह रहा है कि ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट, और ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट में एक्सपायर्स इन, और एक्सपायर्स इन करके मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 1 h, ठीक है। अब ज़रा मैं लॉगिन दोबारा मारता हूँ, सही है 1 hour पे मैंने एक्सपायर करा दिया, ठीक है। अब देखो ये कुकीज़ का एक्सपायरी और JWT का एक्सपायरी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये कुकीज़ का एक्सपायरी क्या डिसाइड करता है कि इतने देर बाद ये ब्राउज़र से गायब हो जाएगा, लेकिन जो मैंने JWT में एक्सपायरी डाला है ना वो ये डिसाइड करेगा कि ये JWT कब तक वैलिड है, ठीक है। वो एक्चुअली वो है कुछ नहीं, वो चेक ही करेगा अंदर, एक इफ लगाएगा अंदर, ठीक है। जो मैंने पहले काम किया था ना कि ऐसे क्रिएटेड ऑन और एक्सपायर्ड ऑन इस पे लगाया था, वो सेम वही काम करेगा। और वो ये काम करके देखो, अब जब मैं ये मैंने लॉगिन कर दिया, अब जब मैं करता हूँ ना क्रिएट अ पोस्ट, तो अब मुझे ये एडिशनल की मोस्ट प्रॉब्ली भेजेगा। आ जाओ देख लेते हैं, देखो अब IAT अलग भेजा है इसने, EXP अलग भेजा है, तो इसने ये काम खुद से कर दिया जो मैं मैनुअली करवा रहा था, लेकिन वो चीज़ एक ही है, वो चीज़ एक ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिकोडेड डेटा के अंदर वो दोनों बातें मिल जाएंगी। अगर ये एक्सपायरी क्रॉस हो चुकी होगी तो एक्सपायरी क्रॉस होने की सूरत में क्या होगा कि ये मुझे यहाँ पे मिलेगा ही नहीं जी। अभी मैं अभी फ़िलहाल जो ना उस वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैं अभी अपने वाले पे डिपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 मिनट में एक्सपायरी करा के यहाँ पे ज़रा चेक भी करना है कि यार वाकई वो एक्सपायर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़रा उस वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैं ज़रा अपना यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको क्या बोला कि इफ़ डेट, मैंने पहले तो हम निकाली न्यू, इसको अलग से दो वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट नाउ इक्वल्स टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम, सही है। ये मैंने नाउ निकाल लिया कि अभी क्या टाइम हो रहा है, हाँ न्यू लिखना होता है यहाँ पर डेट के साथ, नाउ मैंने निकाल लिया। अच्छा, नाउ जो है वो क्या है, एक मिली सेकेंड में टाइम है मेरे पास। अब मैं बोलूँगा कि डिकोडेड डेटा डॉट, क्या था मेरे पास, क्या आता था, ये क्या आ रहा है, हाँ डिकोडेड डेटा डॉट एक्सपायर्स, जो मैंने लिखा है वो उसने लिखा है, उसको छोड़ दो फिलहाल, डॉट एक्सपायर्स, ठीक है। एक्सपायर्स जो है वो 24 घंटे बाद की डेट है, तो इसका मतलब है कि एक्सपायर्स को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा, और नाउ को हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि नाउ अभी का टाइम है, एक्सपायर्स जो है वो 24 घंटे बाद का टाइम है। तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, तो अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब है कि टोकन इज नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है, टोकन इज नॉट एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कॉल कर दूंगा, ठीक है। और एल्स में मैं क्या बोलूँगा, ये तो यहाँ से हटा देता हूँ, नेक्स्ट एल्स में मैं बोलूँगा भाई टोकन इज एक्सपायर्ड, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा टोकन एक्सपायर्ड है, मैं बोलूँगा इनवैलिड टोकन, सही है। अगेन वही वाली बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताते फ्रंट एंड के ऊपर। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे इफ़ लगा के सिर्फ एक्सपायरी चेक की है इसकी। एक्सपायरी चेक करने के अलावा मैं और भी कई चीज़ें यहाँ चेक कर सकता हूँ कि आया ये बंदा सस्पेंड तो नहीं किया हुआ मैंने उसको, ठीक है, डेटाबेस में क्वेरी भेज के। और मैं इस बंदे की देखो ईमेल भी मुझे मिल रही है ना इसमें, इसके अंदर, तो इस ईमेल को मैं पकड़ूंगा और मैं डेटाबेस में पूरा यूज़र मंगवाऊंगा, मैं चेक करूंगा भाई ये सस्पेंडेड तो नहीं है, इसका पेमेंट हुआ हुआ है, एक्टिव है, इस तरह की कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है, जो जो मुझे लगेगा कि मैंडेटरी है। अच्छा, अभी अगला काम मैंने क्या करना है, अभी अगला काम मैंने करना है नेक्स्ट कॉल करने से पहले कि मैंने रिक्वेस्ट की जो बॉडी है ना उसके अंदर जो है ना कुछ डिटेल यहाँ पे से रखवानी है, क्योंकि अब ये यूज़र आया है, अब ये यूज़र ने ये थोड़ी बोला है कि मैं कौन हूँ, यूज़र ने क्या बॉडी में ये लिख के भेजा है कि मेरा ईमेल क्या है, क्या यूज़र ने बॉडी में ये लिख के भेजा है कि मेरा नाम क्या है, नहीं लिख के भेजा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे जो मिलती है ना इसकी ईमेल, इसमें मैं ईमेल नाम एक दो चीज़ें और भी डलवाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि यार रिक्वेस्ट डॉट
बॉडी डॉट डिकोडेड इक्वल्स टू, और पूरा डिकोडेड भी रखवा सकता हूँ मैं, पूरा डिकोडेड डेटा यहाँ पे रखवा दूँ मैं, सही है। लेकिन पूरा मेरा ख्याल है रखवाना शायद ज़रा मुनासिब नहीं होता सम टाइम, तो मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और नया ऑब्जेक्ट बना के मैं क्या करवा देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि यार ईमेल इस बंदे की क्या है, डिकोडेड डॉट ईमेल है, ठीक है। तो अब मुझे पूरी एप्लीकेशन में ना, क्योंकि रिक्वेस्ट की बॉडी है ना ये, यहाँ से गुजर के जाएगी जितनी भी रिक्वेस्ट है, तो पूरी ऐप के अंदर कहीं पे भी मैं लिखूंगा ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इज एडमिन जो था वो भी मैं यहाँ रखवा देता हूँ, डिकोडेड डॉट इज एडमिन, ठीक है। दो चीज़ें रखवा दी, होपफुली इसमें मैं नाम वगैरह भी रखवा सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा मैं वापस, यहाँ पे जाके ना मैं इसका क्या रखवा देता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी रखवा देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट लास्ट नेम, तो मैंने यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी रखवा लिया, क्योंकि कहीं पे मुझे इसके नाम वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो भी मेरे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैंने चार आइटम का पूरा वो रखवा दिया, सही है। मैंने कहा कि इफ़ एक्सपायरी सिर्फ मैंने चेक की है इफ़ करके, अब ये जो मेरा बैरियर है ना इसमें अंदर मैं कोई भी चीज़ और मज़ीद चेक कर सकता हूँ, जो भी मैंने यानी प्रोटेक्टेड राउट पे जाने से पहले जो जो चीज़ें मैंने चेक करनी है वो सब यहाँ चेक कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक्सपायरी चेक करा ली, और बॉडी के अंदर ना डिकोडेड डेटा की एक कॉपी छोटी सी बना के रखवा दी जो मुझे सबसीक्वेंट आगे राउट्स में काम आए। ये हो गया जी मेरा काम, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अब मुझे ज़रा इसको चेक करना है कि ये एक्सपायर होता भी है कि नहीं होता, ठीक है ना। मैं दोबारा लॉग इन को हिट करता हूँ, सॉरी एक्सपायरी डेट अभी तो मैंने, हाँ एक दिन, अच्छा कम करना पड़ेगा ना एक्सपायरी डेट को, चलो कम कर देते हैं। एक्सपायरी डेट जो है ना मैं बना लेता हूँ आफ्टर 24 आवर था ना, आफ्टर 5 मिनट बना लेता हूँ या 2 मिनट बना लेता हूँ, सही है। 2 मिनट इन मिली, मैंने गेट टाइम किया, और प्लस क्या करूँगा मैं इसको, 2 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स, 2 मिनट में 120 सेकेंड होते हैं, तो और 120 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये मिली सेकेंड के अंदर मैंने क्या बना दिया, अभी से 2 मिनट बाद की डेट को मैंने मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके यहाँ रखवा दिया। और मैं अब एक्सपायरी में क्या कर देता हूँ, ये मैं 2 मिनट की एक्सपायरी लगाता हूँ यहाँ, ठीक है। और ये मेरे अपने हाथ का सेट किया हुआ एक्सपायरी है, ठीक है। तो ये एक्सपायर इन वाला नहीं है, जो EXP वो खुद देता है ना, वो भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन वो वाले को अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। होपफुली मैं इसी को यूज़ करूँगा प्रोडक्शन के अंदर। नहीं, इसने तो भाई बड़ा बेहतरीन कर दिया ना, इसने बोला भाई आप कर दो 24H ख़त्म बात, ये आप कर दो 500H, इसने तो बहुत आसान काम कर दिया, ठीक है। इसको मैं 24H ही कर देता हूँ, जो कि प्रोडक्शन में होगा होपफुली, लेकिन डिपेंडिंग ऑन के वो यूज़र कौन है और क्या है, आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉजिकल भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अच्छा जी इस यूज़र का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा जी इसको आप 500 घंटे का दे दो, अच्छा जी इसको आप 200 घंटे का दे दो, इस तरह करके आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 2 मिनट का दे दिया, तो अब जब मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे जो टोकन मिलेगा उसकी एक्सपायरी 2 मिनट होगी, 2 मिनट तक वो सही चलेगा, उसके बाद वो एक्सपायर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लॉगिन नया मारा, ठीक है। नया लॉगिन मारने से ये पोस्टमैन में आके सेव हो गया ये कुकी मेरा, ठीक है। और ये रिस्पांस में मुझे इस तरह करके ये दिख गया। अच्छा, अब मैं करता हूँ क्रिएट अ न्यू पोस्ट। क्रिएट अ न्यू पोस्ट में मैंने ये क्रिएट मारा, पोस्ट क्रिएटेड हो गया। अभी हो रहा है 9:15, तो 9:17 पर ही ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 9:17 तक फिर वेट कर लेते हैं हम, जब तक यहाँ आके देखते हैं यहाँ मुझे क्या मिला है, ठीक है। देखो यहाँ मेरा एक्सपायर एक अलग है, और उसने जो JW ने खुद EXP रखा है वो अलग है। देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे यहाँ पे ये ऐसे मिलता जा रहा है। अच्छा, इस ईमेल का और फर्स्ट नेम लास्ट नेम का बेनिफिट पता है क्या होगा सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट में। देखो अब मैं टोकन वाले को ज़रा रोक देता हूँ अभी, ठीक है। ये टोकन वाले को मैंने कोलैप्स कर दिया। अब पोस्ट राउट में जाऊँगा ना मैं, सही है। पोस्ट राउट में जाके जब ये पोस्ट क्रिएट होती थी, तो मैं ज़ाहिर है जब मेरी डेटाबेस में पोस्ट क्रिएट होगी तो मैं ये तो बताऊँगा ना कि ये पोस्ट किसने क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या होता है, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट
नहीं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडर डॉट, ठीक है, डॉट ईमेल। अब मैं इसमें ये लगाऊंगा कि ये पोस्ट किस बंदे ने की है, लॉगिन है वो, उसकी ईमेल मेरे पास बॉडी के डिकोडेड में मौजूद है, तो वो ईमेल मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। नेम भी लगा दूंगा मैं, लास्ट नेम भी लगा दूंगा, जो जो चीज़ें मौजूद हैं ना वो सब लगा दूंगा। तो मुझे यूज़र को जो है ना ट्रैक करना बड़ा आसान हो गया अब, यानी हर दफ़ा ये नहीं होगा कि भाई यूज़र अब नहीं ये पोस्ट कर रहा है तो मैं उससे बोलूँगा यार अपना ईमेल भी दो आप, अब वो ईमेल तो दे दो, किसी का भी लिख के दे देगा, मुझे क्या पता ये सही है या नहीं है। तो अब की बार मैं मज़ीद जब भी वो नई पोस्ट क्रिएट करेगा, नया जब किसी से चैट करेगा, तो उसकी ईमेल जो जाएगी ना साथ में, वो मैं यूज़र से नहीं मांगूंगा, वो मैं इस टोकन में से निकालूंगा हर दफ़ा। अच्छा, और ये टोकन चेंज हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैंने टोकन में यहाँ डाल के भेज दिया है, ये टोकन बनाते हुए मैंने लॉगिन के में अगर ये ईमेल मैंने डाल के भेज दिया, तो इस ईमेल की वो स्पूफिंग नहीं कर सकता। अगर इस ईमेल को वो चेंज करने की कोशिश करेगा ना, तो मेरा सीक्रेट तो उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, जब ईमेल चेंज करके मुझे वो टोकन भेजेगा तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली एरर मारेगा, है ना। क्या करेगा वो, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब वो मेरा सीक्रेट डालेगा और उसको सिग्नेचर को चेक करेगा तो वो गलत आएगा। अच्छा, 17 पे हम जो है ना इसको देखने लगे कि एक्सपायर होता है या नहीं होता। इतने में हम ज़रा MongoDB का कंपास भी खोल लेते हैं, देखेंगे ना उसमें ईमेल के साथ आ रहा होगा, पुरानी पोस्ट सारी डिलीट मार देंगे, क्योंकि पोस्ट तो हमेशा इसी तरह से सेव होगी। रीसेंट कनेक्शन हमारे हो गया, अब ज़रा ये मैंने नई पोस्ट मारी की। अच्छा, अभी भी है वो, कितने बज के कितने सेकंड पे था वो एक्सपायर, ज़रा ये देख लेते हैं ना। अभी तक तो वो कह रहे हैं हाँ अभी वैलिड है, अब 18 हो गए, अब नहीं चलना चाहिए, अबे अभी भी चल रहा है, ये क्या चक्कर है। अब तो नहीं चलना चाहिए यार। एक काम करते हैं, यार जो मैंने लगाया ना ये बैरियर, इसके अंदर मैं दोनों को ज़रा कंसोल भी करा लेता हूँ। अच्छा नहीं, वो तो उसका है ना, वो तो जो 10 अगस्त आ रहा था वो तो उसका है। नाउ को भी मैंने कंसोल करा लिया और डिकोडेड डॉट एक्सपायर्स को भी मैंने कंसोल करा लिया, सही है, दोनों को कंसोल करा के अब मैं इसको हिट करता हूँ। यहाँ पे दोनों मुझे मिल जाएगा कि कौन सा, नाउ में इस वक्त ये आ रहा है और डिकोडेड में ये आ रहा है। यार तो बहुत डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है यार, इसमें कोई गड़बड़ हुई है वैसे, इसको जनरेट करवाते हुए कोई गड़बड़ हुई है लग रहा है मुझे। एक मिनट, ये हम ज़रा मिली सेकेंड को कन्वर्टर वाला निकालते हैं ना। अबे क्या खुल रहा है ये, ये आ गया ना, 10 अगस्त आ रहा है ये तो, ये क्या चक्कर है यार। नहीं नहीं 24 आवर नहीं, इधर तो मैंने ये 2 मिनट वाला रखवाया ना, ये 2 मिनट वाला जब मैंने रखवा दिया यहाँ पे, तो फिर तो एक काम करते हैं, फ्रंट एंड से ज़रा इसको डिलीट करते हैं उसको ना, ये जो लॉगिन पे था ना, ये डिलीट कैसे होगा अब ये। ये तो एक्सपायरी उसका है ना, कुकीज का एक्सपायरी है। अच्छा यहाँ पे कुछ एरर भी आया है, रेफरेंस डेटा आफ्टर 24 आवर मिली इज नॉट डिफाइंड, ये कौन सी लाइन नंबर से आ गया एरर भाई मेरे पास, 63
auth.mjs63 पे भी एक एरर है। अच्छा ये उसको मिल ही नहीं रहा यार, कुकीज़ में रखवाते हुए ना ये उसको मिल ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा हाँ नहीं सही है, ये दोनों जगह चेंज करूँगा ना मैं इसको, अदरवाइज तो वो मिलेगा ही नहीं इसको। चलो मैंने दोनों पे कर दिया, अब तो यहाँ पे भी चेंज हो गया ये 16:23, अभी 21 हो रहा है तो 23 मतलब है तो सही, सब कुछ ओके यार। इसको ज़रा ना डेट बना के मैं इसको ज़रा डेट बना के कंसोल कराता हूँ ना, ताकि वो पढ़ा भी तो जाए, पढ़ा ही नहीं जा रहा वरना वो, इसको भी ना डेट बना के कंसोल कराता हूँ। सही है, दोनों को ज़रा मैंने डेट बना के एक्चुअल कंसोल कराया है ताकि मैं दोनों को पढ़ सकूँ। तो ये मैंने लॉगिन हिट कर दिया और 2 मिनट बाद की एक्सपायरी मुझे मिल चुकी है, और पोस्ट अब ज़रा हिट करता हूँ, अब मैं देखता हूँ क्या होता है। पोस्ट क्रिएटेड और नाउ 16:22 और एक्सपायरी 16:23। हाँ सही है यार, ये तो सही है बिल्कुल, अब ये तो सही है, 2 मिनट बाद की एक्सपायरी आ रही है। अब ज़रा 16:23 तक हम करते हैं, वापस आता हूँ मैं जितनी देर में वो 16:23 हो रहा है ना उतनी देर में मैं ज़रा अपना डेटाबेस खोलता हूँ जिसमें हम अपना डेटा सेव करवा रहे हैं, और उसमें ज़रा जाके ना पुरानी सारी पोस्टें डिलीट करवा देता हूँ मैं, क्योंकि पुरानी सारी पोस्ट में ना नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किसकी पोस्ट है। और मैं गया जी क्या था मेरा क्रड, सही है, ये ज़रा कुछ पुरानी पोस्ट आ रही है इसमें मेरे पास, और यहाँ पे कुछ नई पोस्ट आ रही है ना, उसमें देखो क्रिएटेड ऑन भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, और नाम वगैरह अगर मैं रखवाना चाहूँ तो वो भी मुझे मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर देखो वो नहीं आ रहा, ईमेल वगैरह नहीं आ रही बंदे की। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कलेक्शन को ज़रा उड़ा देता हूँ पहले। तो पूरे कलेक्शन को उड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और ड्रॉप कलेक्शन का बटन दबा दूँगा। ये कलेक्शन मैंने पूरी उड़ा दी, और अब मैं आके दोबारा से एक पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। पोस्ट क्रिएट हो गई, पोस्ट क्रिएट हो गई, कितने फ़र्क से क्रिएट हो गई है भाई, 16:23:39, 16:23:42। अबे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर गलत लगाया है, मैंने जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर क्या किया है, अच्छा अब इनवैलिड टोकन बोल रहा हूँ है? अच्छा 16:23:42 एक्सपायर था ये, और नाउ 16:22:28, हाँ थोड़ा सा से बचा हुआ था, अब की बार ये पूरा एक्सपायर हो गया, 16:23 हो रहे हैं और 39 सेकंड, और एक्सपायरी जो था वो 16:23:42 था। नहीं इसमें भी हो गया ये, इसके बाद वाले में, इसके बाद वाले का वही नहीं आया, कोई कंसोल ही नहीं आया। वेल अब ये बोलना शुरू हो गया कि हाँ भाई ये इनवैलिड हो गया टोकन, तो बहरहाल। तो अब मैं वापस आता हूँ ऑथ के अंदर, और ये मैं क्रिएटेड ऑन और एक्सपायरी ऑन को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है जैसा कि उसने बोला। ठीक है, हटा भी सकता हूँ, और यहाँ पे मैं 24 आवर रख के भेजूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही 24 आवर होंगे ना, तो अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर उल्टा लग गया, सीधा लग गया, ये मसले पंचायतें, इससे मैं बच जाऊँगा। मैंने इसको यहाँ से हटाया, इस पूरे को भी मैंने हटाया यहाँ से, और मैंने कहा भाई अब खुद ही एक्सपायरी संभालो, मेरे मसले से जो है ना जान छोड़ो। तो मैं यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे भी ये वाली चेक भी हटा दूंगा, मैं इस चेक की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद चेक करके जब बता रहा है तो ठीक है, अगर तो यहाँ पे एक्सपायरी एक्सपायरी कुछ हुआ ना, तो वो खुद ही उसको डिकोडेड देगा ही नहीं, मुझे खुद ही कैच पे चला जाएगा। सही है, तो मैंने जस्ट ये लिखा सीधी सीधी लाइन, और मैंने कहा भाई एक्सपायरी एक्सपायरी खुद ही देख लेना क्या है, और मैंने नेक्स्ट यहाँ से कॉल कर दिया। तो इस जगह पे आके मेरा क्या हो गया, लॉगिन और साइनअप की जो API थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देखो अभी तक मैंने कोई फ्रंट एंड नहीं बनाया, लेकिन मेरी API क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब ये API मैं किसी भी फ्रंट एंड वाले बंदे को दूं, सही है, गौर से सुनो इस बात को, किसी भी फ्रंट एंड वाले बंदे को दूं, ये API वैलिड है, हर फ्रंट एंड पे अप्लाई हो सकती है, चाहे वो कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हो जो कि कॉटलिन पे बन रही है, चाहे वो कोई आईफोन की एप्लीकेशन हो जो स्विफ्ट पे बन रही है, या चाहे वो कोई हाइब्रिड एप्लीकेशन हो जो iOS एंड्रॉयड दोनों पे चलती है, फ्लटर पे हो, रिएक्ट नेटिव पे हो, ठीक है, किसी भी फ्रेमवर्क पे बनने वाली मोबाइल एप्लीकेशन हो, उस बंदे को मैं ये दूंगा APIs, वो इसको इस्तेमाल करेगा, एग्जैक्टली इसी तरह इस्तेमाल होगी। मैं किसी भी फ्रंट एंड के बंदे को ये दूं जो वेब एप्लीकेशन बना रहा है, चाहे वो प्लेन जावास्क्रिप्ट और की एप्लीकेशन हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की प्लेन हो,
या वो रिएक्ट पे बनी हुई हो, या वो नेक्स्ट पे बनी हुई हो, या वो किसी भी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क पे बनी हुई हो, ठीक है, फ्लटर पे भी वेब एप्लीकेशन बन जाती है, उसके अलावा व्यू जे एस है, सेवेटल है, पता नहीं और भी दो चार भी हैं, एंगुलर वगैरह भी है, किसी भी फ्रेमवर्क पे बना हुआ फ्रंट एंड हो, ये सबके साथ अटैच होगा और ऐसे ही अटैच होगा बगैर सर्वर पे कोई चेंजेस किए हुए, ठीक है। किसी भी मैं इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाले बंदे को दे दूँ मैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे भी तो एप्लीकेशन बनती है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाले बंदे को दूँ मैं, चाहे वो सी शार्प पे बनी हुई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, फ्लटर पे बनी हुई हो, इलेक्ट्रॉन पे बनी हुई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, सही है, किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे भी ये चलेगा और एज इट इज़ इसी तरह चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये होगा कि वो इस टोकन को सेव कहाँ कराता है, उनके मुताबिक कहाँ पे सिक्योर है सेव कराना, वो मसला वो खुद देखेगा, ठीक है, अब वो मेरा मसला नहीं है क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसका, मैंने तो जो HTTPS कुकीज़ में रख के दे दिया, अब वो देखेगा कि क्या मसला है, लेकिन मोर और लेस वो सब में तरीका यही है। HTTPS कुकीज़ ना ऑटोमेटिकली जब C# की ऐप से भी हिट होता है, क्योंकि .NET भी एक फ्रेमवर्क है, तो उस फ्रेमवर्क में ये चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, क्योंकि ये वेल नोन है सबसे ज़्यादा, तो वो सब में इसको हैंडल किया हुआ है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये सबके लिए वैलिड है। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है जो कि होपफुली आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप करके ही आ गए नेक्स्ट क्लास में, कि हमारी जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनी हुई है जिसके ऊपर मैं क्रड ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ इस API के थ्रू, उसी के अंदर एक पेज आप लॉग इन साइनअप का बनाएंगे और लॉग इन साइनअप की API हिट करेंगे आप, जब रिस्पॉन्स आएगा तो कुकी में ऑटोमेटिकली सेव होगा वो, सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट जितनी भी होगी उसमें आप क्या लगाएंगे, एक्सियोस के साथ एक ऑप्शन भेजेंगे आप क्रेडेंशियल ट्रू लिखेंगे, आपको गूगल पे उसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है, मेरी जो पहले मेरा जो पिछला कोड है उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी, तो सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट में क्रेडेंशियल ट्रू लगाएंगे, इसी तरह से ये मिलेगा, और इसको आपने गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करके और एक अच्छा सा फ्रंट एंड बना के लिंक्डइन पे पोस्ट वोस्ट करके कि जी मैंने लॉग इन साइनअप JWT ऑथेंटिकेशन से करके सिक्योर APIs बनाना सीख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, वंस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इतना काम, ये हमने अगला करना है, ठीक है, होपफुली आप लोग करके ले आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे ये काम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट का फ्रेमवर्क स्टार्ट कर लेंगे। अभी तक हमने फ्रंट एंड जो बनाया वो प्लेन JavaScript और HTML से बनाया, अब हम क्या करेंगे, यही पूरा काम फिर हम रिएक्ट से करेंगे, सही है, जो एग्जैक्टली हमने HTML से ये काम किया ना, ये चारों क्रड की API और लॉग इन साइनअप की API, ये सारा हम क्या करेंगे, क्रड एक एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट की, उससे हम ये हिट करेंगे। अच्छा, जब ये हमारा काम हो जाएगा तो उसी रिएक्ट की एप्लीकेशन में फिर हम फाइल अपलोड करना सीख लेंगे कि जी फाइल अपलोड कैसे होती है सर्वर से। फाइल अपलोड करना सेम है, चाहे वो प्लेन JavaScript हो चाहे वो रिएक्ट हो, एक ही बात है, फ़र्क नहीं है कोई। फाइल अपलोड करना सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी जो क्रड की, जो असल में क्रड क्या है, वो सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप है सब में यही होता है कि ये बंदा लॉग इन साइनअप होगा, पोस्ट करेगा, पोस्ट में उसका नाम आ रहा होगा, तो ये एक सोशल मीडिया की एक ऐप बन रही होगी एक्चुअली। इसी ऐप में हम एक चैट का भी फीचर ऐड कर देंगे कि जी 1-to-1 चैट हो रही होगी, ठीक है, 1-to-1 चैट में फिर हम वो रियल टाइम सीख लेंगे ज़रा सॉकेट IO से कि जी वो रियल टाइम में बगैर पेज रिफ्रेश किए मैसेज खुद से कैसे आता है, अभी तक हमने वो नहीं सीखा। अभी हम क्या करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो नया डेटा सर्वर से आता है, वरना नहीं आता, तो रियल टाइम कंप्यूटिंग हम सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सोशल मीडिया की पूरी जो ऐप बन जाएगी इसको हम PWA में कन्वर्ट करेंगे। PWA क्या होता है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को आप कन्वर्ट कर लेते हैं इंस्टॉलेबल ऐप्स के अंदर, ये ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी फिर मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, मेरे मोबाइल के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर, ये इंस्टॉलेबल हो जाएगी ऐप, ठीक है। PWA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, गूगल वालों की नई नई टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसको सपोर्ट करने लगा थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉलेबल ऐप में ना सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि हम स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हैं। तो मैं एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को पब्लिश कर पाऊँगा एज अ मोबाइल ऐप, मैं एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर अपनी इस ऐप को पब्लिश कर पाऊंगा, PWA की जो ऐप है, एज अ आईफोन ऐप उसको पब्लिश कर पाऊंगा, और विंडोज़ के स्टोर पे मैं एज अ विंडोज़ एप्लीकेशन उसको सबमिट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने रोड मैप मैंने बता दिया, इस पे इंशाल्लाह हम चलते हुए इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में।